Are the latest fashion trends in the market? 50% of your life is simply a waste. So फिर और आगे बढ़ा तो कुछ समय से फिर पूछा, अच्छा what are different food courts जहां पर हम जा सकते हैं, खा सकते हैं? पीडब्ल्यूसी जाएंगे, पंजाबी वाई नेचर जाएंगे, मेनलैंड चाइना जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, विम्पी जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाना चाहिए खाना खाने के लिए? साहब हमें क्या पता था, हम तो गरीब आदमी है साहब, हम तो गंगा माई की इस पार से उस पार आते, उस पार से इस पार जाते, तो थोड़ा पैसा कमाते, थोड़ा गंगा माई की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, बाकी से खर्च चलाते, साहब हमें क्या पता चला, क्या क्या पता था हमें? तो साइंटिस्ट ने कहा 75% ऑफ ए लाइफ इज सिंपली अ वेस्ट। देखो ये नहीं पता खाना कहाँ खाना है शहर में यार, इलिटरेट कहीं का, बेकार चला जिंदगी तेरी। तो थोड़ा सा और जब आगे बढ़े तो दो ने नोटिस किया कि ना नदी में भंवर आया हुआ, देयर वाज अ व्हर्लपूल। तो व्हर्लपूल जब होता है, व्हर्लपूल में क्या होता है, जो भी आसपास की चीजें होती हैं उन सबको व्हर्लपूल सक कर लेता है अंदर की ओर। एंड देयर इज ओनली वन वे टू एस्केप कि आप डाइव करें और तैयार करके किनारे चले जाएं, क्योंकि नाव तो अब व्हर्लपूल के अंदर ही जाने वाली, आप कितना चप्पू मार लें कुछ नहीं सकता है। तो फिर नाव वाले ने पूछा, साहब जी आपको तैरना तो आता है ना साहब जी? तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता। तो फिर इस बोट में ने कहा, साहब जी अब आपकी 100% लाइफ इज सिंपली अ वेस्ट। तो ये तो तैर के बच गया, लेकिन साइंटिस्ट डूब गया। तो कभी कभी हमको इतना कुछ पता होता है, वी नो अबाउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, कौन सी गाड़ी आई है, कौन से ब्रांड्स आजकल मार्केट में है, कौन से फैशन ट्रेंड्स हैं, कौन सी चीज़ है जो कि ट्रेंडिंग हो रखी है, क्या सेंसेक्स के भाव क्या चल रहे हैं, चांदी का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है, फलाना ढिमकाना, वी नो अबाउट सो मच। बट इफ वी हैव नॉट डिस्कवर्ड अबाउट आर ओन सेल्फ, तो हमारा हाल भी किसके जैसा होगा? साइंस के जैसा। तो लाइफ में जब दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो लोग उसको फेस नहीं कर पाते। एंड आई फ्रॉम पास्ट वन ईयर आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस वेयर पीपल आर अबाउट टू कमिट सुसाइड, इवन दो दे आर सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल पीपल। एक व्यक्ति है, ही हैज डन हिज आईएएस आईपीएस और उतना डिप्रेस है आज, ही हैज डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। यार बस अब जिंदगी ना और सहन नहीं होती मेरे से, आई कांट टॉलरेट दिस लाइफ एनी मोर, सो आई हैव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। एम्स, हमारे इंडिया का नंबर वन मेडिकल इंस्टीट्यूट, हर साल 2-3-4 सुसाइड वहां होने ही है, इतना पढ़ाई का लोड होता है बच्चों में। बच्चे कहते हैं नहीं सहा जा रहा, छोड़ पाएंगे नहीं क्योंकि इज्जत खराब होगी माता पिता की, रहा जानी राम से 2-3 घंटे की नींद के बाद मर जाओ यार, मर जाते हो, समझ जस्ट कोलैप्स। बॉडी भी काम करते करते ना उनकी खुद ही बॉडी उनकी ठाई हो जाती है। So that means we see that in this world when people do not discover themselves, even though they may be successful, but what kind of happiness is this? Or is it that people have everything, but they are not happy? Reason being they have not discovered themselves. So this is why we have named the course as its name, Discover Yourself. Once we discover our own selves, then life becomes more meaningful. अगर सेल्फ के बारे में नहीं पता फिर तो आप जो कुछ भी करोगे इट्स ऑल मीनिंगलेस, राइट? सो दैट इज वी हैव नेम्ड दिस कोर्स एज डिस्कवर योरसेल्फ। और आज जो सेशन है उसका नाम है कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो साइंटिस्ट को तो शायद बाद में देखेंगे। हु अमंग्स यू बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? आप में से कौन कौन है जो भगवान में विश्वास करता है कि भगवान है? ओके अच्छा, किसको लगता है नहीं है? ये तो क्या है, ये तो रिलीजियस लोगों ने अपनी दुकानदारी खोल के रखी है, चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं, अपना पेड़ धूम लव जी लव आंधे रे आंधे, और इस तरह से रिलीजियस लोग लोगों के साथ धोखा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो काम चोर लोगों ने धंधे खोल के रखे हैं रिलीजन के। कोई नहीं होता भगवान, भगवान किसने देखा है? किसने भगवान को, कोई फेसबुक प्रोफाइल है भगवान की? एक यूट्यूब वीडियो दिखा दो भगवान ने अपलोड किया हो अपना, क्या यार तुम भी पढ़े लिखे होकर भगवान भगवान करते हैं, कुछ नहीं होता भगवान भगवान। ये तो ऐसे पंडितों ने फैला के रखा ताकि लोग मॉरल रहे, just to maintain morality in society, they have coined this term God. Huh. Oh my God. Oh sorry, there's no God. Thank God, there's no God. तो हम कौन बोले जो भगवान में विश्वास नहीं करते? अरे कुछ नहीं होता भगवान भगवान, कुछ नहीं थे। कौन है जो भगवान में विश्वास नहीं करता? नहीं है जी, कोई भगवान भगवान थोड़ी होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना हम लोग, गाँव के लोग होते हैं, फिर तो कहते ठीक है भाई ठाकुर जी भगवान जी, तो पढ़े लिखे लोग हैं हम तो, है ना? तो आपसे कौन बोले जो भगवान में विश्वास नहीं करता? भगवान कुछ नहीं होता है असल में, इट इज दिस काइंड ऑफ मेंटल इमेज पीपल आर इमेजिनिंग। और क्या,
अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है, पता नहीं है, नहीं है यार, पता नहीं यार, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, पता नहीं। और इंडिया में लोग हाल क्या है ना कि लोग विश्वास करते, कहते देख यार विश्वास करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेते हैं। एक आदमी था, उसने फैक्ट्री खोली 50 लाख रुपए की फैक्ट्री खोली, नास्तिक था वो, उसने फैक्ट्री खोली 50 लाख की, और साथ में उसने फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करा ली। तो उसके दोस्त ने कहा तू तो नास्तिक है, तूने ये पूजा करा ली थी तूने? तो उसने कहा देख यार 50 लाख की फैक्ट्री खोली है, अगर 50 रुपल्ली की पूजा से कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, ये तो 50 रुपये जाते हैं, आई डोंट माइंड। सो पीपल बिलीव एंड पीपल ऑल्सो डू नॉट बिलीव, क्या बिलीव करते तो बिलीव छूट जाते। यस प्लीज, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट गॉड, सो आर यू सेइंग ट्रांसफॉर्मेशन वाला कुछ, मतलब कोई पिक्चर या कोई फिगर या एक एनर्जी या फिर जो भी फिगर एनर्जी पावर व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट। और इंडिया में क्या है, लोगों का फेथ है भी लेकिन फेथ नहीं भी है। जैसे एक समय एक स्वामी जी आए गांव में, उन्होंने पूछा आप कौन कौन है जो कि भगवान में विश्वास करता है, सबने कहा डीडीयू जैसे थे आपके सब, दीनदयाल उपाध्याय के स्टूडेंट जैसे थे, सबके सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो स्वामी जी ने कहा क्योंकि आप सभी का भगवान में विश्वास है तो मैं आपको क्या बताऊंगा, चलो मैं चलता हूँ। फिर तो स्वामी जी चले गए, कह रहे लो जी स्वामी जी चले गए, कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ लेक्चर नहीं दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया अगली बार अगर स्वामी जी आएंगे तो हम में से कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो फिर से स्वामी जी आए, तो आप ऐसे कौन कौन है जो कि भगवान में विश्वास करता है, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। स्वामी जी ने कहा ठीक है क्योंकि आप सब नास्तिक हो तो आपको क्या बताऊंगा, फिर मैं चलता हूँ। तो स्वामी जी ने चले गए, कहते लो जी हाथ खड़ा करो तो भी स्वामी जी चले जाते हैं, ना हाथ खड़ा करो तो भी स्वामी जी चले जाते हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने डिसाइड किया ऐसा करते हैं 50% लोग हाथ खड़ा करेंगे, 50% लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे, तो लगेगा हाँ बड़ा नॉर्मल है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कुछ लोग विश्वास नहीं करते, दैट विल लुक नॉर्मल। तो फिर से स्वामी जी आए, स्वामी जी ने कहा अच्छा आप कौन कौन है जो कि भगवान में विश्वास करता है, तो 50% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 50% लोगों ने हाथ पीछे रखे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है जिनका भगवान में विश्वास है वो लोगों को एजुकेट कर दे, जिनका विश्वास नहीं मैं चलता हूँ, और फिर वो चले गए। और स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही कुड सी दैट पीपल हैव फेथ बट दे हैव सच फ्लिकरिंग फेथ, राइट। जैसे आप कुछ लोगों का विश्वास होता है लेकिन लाइफ में कोई इवेंट हो गया तो विश्वास उठ भी गया, कहते कुछ नहीं भगवान हुआ है, क्या लागे रखा है, क्या दिए भगवान है, इतनी डोनेशन मैंने दी इन लोगों के मंदिर में, मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई, मेरे बच्चे मेरे ख्याल नहीं मानते, मेरा बिजनेस नुकसान में जा रहा है, कहाँ है भगवान, नहीं मानते भगवान। ऐसा होता है, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। सो समटाइम्स पीपल बिकम एथिस्टिक जस्ट बिकॉज सम इवेंट हैपन इन लाइफ, कुछ नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ भाग गया, नहीं मानते हम भगवान को, कहाँ है वो, कहाँ है, अगर है तो इंसाफ करी वो, विश्वास चला गया। तो विश्वास है भी और नहीं भी, लाइक बड़ा कच्चा पक्का सा है। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, राइट, वी आर ऑल सपोज टू बी साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। So this universe, what we are seeing, some unanswered questions about this universe are, who created this universe? What is the purpose of this creation? Because any machine which is being made, it has got a purpose, right? Agar ATM machine hai, uska purpose hai. Agar ek silai ki machine hai, uska purpose hai. Agar cycle hai, which is a machine, uska ek purpose hai. So every machine has got purpose. Everything which is in creation has got a purpose. Achha, toh phir ye universe kyun banaya? इससे बनाया ताकि हम ग्रेजुएशन करें, 9 to 5 की नौकरी करें, थोड़ा गाली गलोच करें, रोड पे जाते हो कहते हैं गंदे की औलाद, ऐसे कहते बीच में गुजरा दूँ, इसलिए भगवान ने मतलब यूनिवर्स बनाया ताकि हम लोग ऐसे गाली गलोच करते हो, फ्रस्ट्रेट करते होते होते कोई बच्चे पैदा करें, ऐसे बाद में बच्चे हमको गालियाँ दे, फिर हम कहा वाह संतान वाह क्या संतान होती है, फिर ऐसे मर जाए। तो भगवान ने इससे बनाया था, पता नहीं किससे बनाया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, ओके। सो इज देयर गॉड इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, और वी आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, or nature is in control of things, who is in control? There are some of the questions, very wide questions. We see wonderful creations around us. ये कैसा है? अच्छा है, बेकार है? अच्छा है, beautiful, right? Beautiful. ये कैसा है? Nice, beautiful creation. So even to make an artificial flower, one needs a paper, color, an artist, an intelligent craftsman. What to speak of these flowers in nature with their delicateness, biological complexity, fragrance, and their shapes and forms. अगर नकली फूल बनाने होते हैं उसके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, राइट। लेकिन नकली फूलों में खुशबू नहीं होती, तो ये फूलों में खुशबू भी है, इनके अंदर बीज भी हैं, उस बीज से और फिर फ्लावर्स निकल आते हैं, और फ्लावर्स में फिर से ओ एंड न्यू फ्लावर्स एंड मोर कमिंग, फ्लावर्स की सप्लाई में कोई कमी है?
कहते हैं बस अब नहीं निकल रहे, पौधों ने बोल दिया बहुत हो गए, ऐसा हुआ तो वहां की बात है. सो इवन एनीथिंग विच इज बीइंग मेड बाय पेपर एंड बाय क्राफ्ट्समैनशिप, वी आस्क हु मेड इट. व्हाट अबाउट दीज फ्लावर्स विच आर नेचुरल ब्यूटी, राइट? सो दीज आर कमिंग बाय चांस, बाय चांस. कहते फूल कैसे, कहते ये बाय चांस आ गए, दिस क्रिएशन हैज कम बाय चांस. अब इसके किस किस ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी समझ पड़ी, प्रोबेबिलिटी राइट? लाइक इन प्रोबेबिलिटी वी डिस्कस अबाउट चांस, लाइक थ्रोइंग ऑफ द डाइस, टॉसिंग द कॉइन, करते हैं ना. पर हम चांस क्यों अप्लाई कर पाते हैं वहां पर, रीजन बींग एंटायर इवेंट इज ऑब्जर्वेबल. मैंने जब सिक्का उछाला हम देख पाते, तो कभी हेड कभी टेल्स, कभी हेड कभी टेल्स, डाइस है कभी वन कभी टू कभी थ्री कभी फोर कभी फाइव कभी सिक्स, बट एंटायर इवेंट इज ऑब्जर्वेबल एंड देयर आर मल्टीपल इवेंट्स, तो उसको बोलते हैं चांस. बट कैन दिस क्रिएशन कम बाय चांस? चांस थ्योरी के दो पॉसिबिलिटीज क्या बताया मैंने, फर्स्टली द इवेंट शुड बी ऑब्जर्वेबल, सेकंड देयर शुड बी मल्टीपल इवेंट्स. तो वो चीज हम मानते भाई ये तो चांस मानते, लाइक थ्रोइंग ऑफ द डाइस टॉसिंग ऑफ द कॉइन, ये आता है चांस थ्योरी में आता है. बट दिस क्रिएशन दिस यूनिवर्स, हमने बहुत सारे यूनिवर्स देखे हैं या एक ही यूनिवर्स देखा है? एक. अच्छा, इवेंट इज ऑब्जर्वेबल नॉट ऑब्जर्वेबल? कैन यू ऑब्जर्व दिस यूनिवर्स? नो. विद हबल टेलीस्कोप वी कैन सी लेस देन 1% ऑफ द यूनिवर्स. हाउ मच? लेस देन 1%. 99% से भी ज्यादा जो यूनिवर्स है बियॉन्ड आवर ऑब्जर्वेशन. सो दैट विच इज बियॉन्ड माई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के परे है. That means that is mythology. क्योंकि हमारी जो observation के परे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Mythology. That means universe is mythology. है ना? है? नहीं? नहीं? हाँ? Confused? So that means it is not observable also. Right? तो इसलिए chance थोड़ी तो लगती नहीं. But some people say कि well, अब by chance ऐसा हो गया, यहाँ जिंदगी शुरू हो गई इस दुनिया में, by chance की बात है वो, तो by chance. But by chance theory इस पर apply नहीं होती है. Yeah? Like a big banyan tree in a small banyan seed. हमने compress करने की technology कहाँ से सीखी? Winzip. कहते हैं इसको ना zip करके भेज दे मेरे पास, फाइल बड़ी भारी है उसको zip करके मेरे को भेज दे, ऐसा करते हैं हम लोग, right? But what just see the zipping technology of God. Entire banyan tree is inside a seed. पता कितना छोटा? आपके नाखून का आधा. You see your nail? इस nail का आधा is the size of the banyan tree seed. और सारे सीड में से बैनियन ट्री नहीं निकलती. दैट सीड विच इज ईटन बाय द बर्ड एंड आफ्टर डाइजेशन एक्सक्रीटेड, और बीज एज इट इज निकल आए, वो बीज से जो है बैनियन ट्री निकलता है, सारे बीज से निकलता है. तो इतने सारे बीज जल रहे हैं तो बैनियन ट्री तो यहां वहां सब जगह नजर आ जाए. वाह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी. अच्छा, इतने से सीड के अंदर पूरा पेड़ है? हाँ जी, ये सर ये विंजिप टेक्नोलॉजी है भगवान की. वाह, पूरा पेड़ अंदर ला दिया है, कैसे लाना? इसको अनजिप कैसे करना है? कोई सॉफ्टवेयर है? कहता है नहीं सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, मिट्टी में डाल दे पानी डाल दे हो जाएगा अनजिप. माय गॉड, आपने कोई आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है कि मैंने मिट्टी में डाला उसको पानी दे दिया, कहता है वो अनजिप हो जाएगा, धीरे धीरे अनजिप हो जाएगा वो, और फिर वो अनजिप होता है और अनजिप होते 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 ये बन जाता है. कहता है अच्छा अब बाकी जिपिंग कैसे होगी? कहता है वो उसके अंदर बहुत सारे बीज हैं, उनमें अपनी अपनी जिप टेक्नोलॉजी लगी हुई है. माय गॉड, ये कोई साइंटिस्ट कर सकता है? But see the banyan tree, what a technology. Oof, amazing. Who is she? Is she... Kone? Painting. Painting? Painting of? Priyanka Chopra. Yes. No. Sorry. Kone? Jane Austen. Or? Isn't she Rose Winslet? Kate Winslet? No, Kate Winslet didn't look like. Who looked like? मोनालिसा. किसने बनाई थी ये पेंटिंग? लियोनार्डो दा विंची. सो इफ देयर इज अ पेंटिंग सो देयर शुड बी अ पेंटर. कौन है? लियोनार्डो दा विंची. वेरी गुड. अच्छा, अगर ये टू डायमेंशनल पेंटिंग है, किसने बनाई? ना विंची ने बनाई. सो फॉर अ टू डायमेंशनल पेंटिंग देयर इज अ पेंटर. अच्छा, ये जो थ्री डायमेंशनल पेंटिंग है एंड लिविंग पेंटिंग, दिस पेंटिंग इज अ डेड पेंटिंग, ये मूव नहीं करती, बोलती नहीं बेचारी, इट्स अ पेंटिंग है एंड इट्स अ 2D पेंटिंग. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पेंटिंग विच इज अ 3D पेंटिंग एंड अ लिविंग पेंटिंग, जैसे पेड़ उग रहे हैं, नदियां बह रही हैं, लोग चल रहे हैं, लिविंग पेंटिंग एंड 3D पेंटिंग, इसका कोई पेंटर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए.
अगर एक 2D स्टैटिक पेंटिंग का पेंटर है तो 3D डायनामिक पेंटिंग का पेंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लॉजिकली स्पीकिंग होना चाहिए. सो हु इज द आर्टिस्ट? लाइक देयर आर सैटेलाइट इन द स्पेस राउंड द क्लॉक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल विद क्रिटिकल पैरामीटर्स. अब कितने लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है दैट हाउ टू प्लेस अ सैटेलाइट इन द स्पेस सो दैट उसकी एंगुलर वेलोसिटी और कौन कौन से फीचर्स होते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट सैटेलाइट ओरिएंटेशन स्पिन वेलोसिटी ऑर्बिट डिके करेक्शन कॉस्मिक रेडिएशन हीट डिसिपेशन अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस. ओह माय गॉड सो मच जस्ट टू प्लेस वन सैटेलाइट इन द स्काई. सो व्हाट अबाउट दिस सैटेलाइट देन? समबडी मस्ट हैव प्लेस्ड इट इन द स्काई सच अ डेलिकेट डिस्टेंस. अगर अर्थ 1 किलोमीटर सूर्य के पास आएगी ना जस्ट 1 किलोमीटर द अर्थ विल ग्रेजुअली गो इन टू द सन जस्ट 1 किलोमीटर. और अगर अर्थ 1 किलोमीटर हल्का सा या आधा किलोमीटर हल्का सा यहां आ जाए हल्का सा इट विल गो आउटसाइड द ऑर्बिट. दैट मीन्स किसी ने इतना डेलिकेटली इसको प्लेस किया है वहां पर कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमा दे. तो ये तुक्के से होगा या किसी ने प्लेस किया हुआ इसको? इट इज सो डेलिकेटली प्लेस्ड अराउंड द सन. तो किसी ये तुक्के से हुआ होगा या किसने किया होगा? अब इतना डेलिकेटली रखा है कि मतलब कुछ मीटर भी अगर हिला देंगे ना अगर हम अर्थ विल गो इनसाइड द सन थोड़ा दूर करें गो अवे फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. ऐसे घूमते 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 वो निकल गई अर्थ. तो कहाँ इन्होंने निकल गई? इतना डेलिकेट डिस्टेंस है दैट लाइफ सर्वाइव ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस डेलिकेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन. सो समबडी मस्ट हैव प्लेस्ड इट राइट. So who is in control? NASA? No. NASA discovers all these things, but NASA is not the manufacturer of all these things. NASA is only discovering. चलो हमने खोज निकाला, हमने सूरज निकाल लिया, हमने उससे बड़ा सूरज निकाल लिया, हमने तारे निकाल लिए, हमने we have found the Pluto. They are finding it, but they are not controlling it. They are not creating it. Yes. So the traffic policeman controls the signals of the traffic. Who controls the traffic or revolving planets? कोई तो होगा ना जिनको संभाल रहा है. कभी अर्थ है यूरेनस में नहीं घुस जाती कहते मेरे रस में कैसे आ गए तू मरकरी चल किनारे हो बदतमीज कहीं का ना हो. कभी ऐसा होता नहीं होगा ना. एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग सो हु इज कंट्रोलिंग द ट्रैफिक? इट शुड बी समवन राइट. सो डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स बट हु इज डेवलपिंग सुपर कंप्यूटर्स देयर ब्रेन्स. But who is manufacturing their brains? वो क्या intelligent आदमी होगा ना जिसने ये brain बनाया जो brain super computer बनाता है. लेकिन brain किसने बनाया जिसने की super computer बनाया? Wow! उसका brain क्या होगा? My God! कभी सोचा हमने इस बारे में? नहीं. The most sophisticated computer in the universe is the human brain. What a masterpiece! Human brain. So the human brain can store more information than all the libraries in the world. The human brain can store more information than all the libraries in the world. My God. So much capacity. Kya hard disk diye bhagwan ne na? Kya hard disk diye? And we can recall things very easily. In fact, if there is a competition in terms of recalling the data, humans recall immediately. आपको हार्ड डिस्क में टाइम लगता है पहले वो घूमेगी अंदर फिर डेटा निकालेगी बट वी कैच अरे मुझे याद आ गया इमीडिएट. वाओ हार्ड डिस्क इतनी बड़ी भी है और साथ में डेटा भी क्या रिट्रीव करती है. वाओ तो ये क्या बनाया भगवान ने? ऊफ दैट्स अमेजिंग. द ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ ट्रिलियन of brain cells and each one of these is more powerful and sophisticated than most computers around the planet today. Yeah. Who made natural intelligence is this incredibly complex computer, the human brain. Likewise, we see wonderful things created by man. Sleek cars, someone manufactured it. Trendy computers, someone assembled it. Elegant watches, someone designed it. Architectural marvels, someone erected it. स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग हम ये दोनों रही नहीं बेचारी ये रावण और ये कुंभकर्ण बेचारे दोनों ढह चुके हैं. कौन है ये पता है? द ट्विन टावर्स. यस दो पंछी आए थे इनको ढा दिया उन्होंने. सो
someone built it and somebody destroyed it also. One who sculptures, someone carved it. Shouldn't this universe have a super intelligent creator too? What do the best of the scientists feel? There is a perfect brain behind all the natural physical laws. Albert Einstein. Because whenever there are laws, there has to be a lawmaker. Like just like we have Constitution of India. Kisse banaya ho? And this B.R. Ambedkar, yes. So whenever there is a law, somebody should be a, there should be a lawmaker. Just like there is mercantile law, there is criminal law, traffic laws, so many laws are there. But kisi ne banaya na? So similarly, all the physical laws, like law of gravitation, law of flotation, the laws of optics, laws of thermodynamics, laws of mechanics, laws of quantum mechanics. If there are laws, there should be a lawmaker. Because laws do not exist without a lawmaker. Right? So there are. So he used to say, Albert Einstein used to say, there is a perfect brain behind all the natural physical laws. Yes. Lord Kelvin used to say, if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. If you think strongly enough, like for example in our body, there is a respiratory system, there is venal system, arterial system, nervous system, digestive system. Ye sare system must kaam kar rahe hain aapas mein. Who has placed them so nicely? Itne acche se assemble kisne kiya hoga? Acha, hum se kisse vishwas hai ki hum log khana pachate hain? Hum pachate hain aise? Hum bas dalte hain. Aare aande re aande, aur aande. पर हम लोग बचाते हैं कि चलो खाना डाल लिया, पिज्जा डाल लिया है, चलो अब मैं गैस्ट्रिक जूस निकालता हूँ. गैस्ट्रिक जूस तो हो गया, चलो ठीक है, अब पैंक्रियास के पास आ गए वो, अब पैंक्रियास को दबाता हूँ मैं, चलो अब थोड़ा और हजम हुआ है, ठीक है, अब मैं इसमें बाइल जूस डालता हूँ लीवर से. लीवर का है, लीवर ये रहा. अच्छा, अब इसको मैं लार्ज इंटेस्टाइन में डालता हूँ, ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन लाते हैं, अब निकालना, चलो अभी कल निकालेंगे, करते हैं सब. कैन वी डू इट? ये कौन डाइजेस्ट करता है? हम लोग तो बस खा के मस्त होते, कहते हैं ला यार गुलाब जामुन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हम तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर सारा काम हम लोग करते हैं. अच्छा, ये जो सांस लेना है, हम सांस लेते सोचते हैं चलो अब मैं हवा लेता हूँ, ऑक्सीजन से मेरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, अब वीनल सिस्टम से अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गई है, मुझको एक्सहेल करना है. ऐसा करते हैं हम लोग तो बस चलते रहते हैं ना बस, और सांसें चल रही हैं अपना आराम से, राइट. इवन ये सांस लेना, ये भी हमारे बस की बात नहीं, खुद देखा देखा जाए ये तो नेचुरली बस चल रहा है. तो कहते हैं अरे, इनफैक्ट वंस साइंटिस्ट दे divide the body into 1000 slices. Sar se leke paon tak, they converted the body into gel, taki blood na bahe. And after converting entire body into gel, they divide this into 1000 slices. Just to see every slice, ki bhai kaam kaise karta hai sharir. Recently, scientists have found out the largest organ in the body. सोचिए, अभी तक हमारी मेडिकल साइंस जो है हमारा इलाज करी थी, और अभी तक हमें हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं पता था. इट इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, इट इज इन द बॉडी, पर हमें नहीं पता. अद्भुत है शरीर भी, राइट. सो इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जब इंसान धूप में खड़ा होता है तो खाना बना लेते हैं खड़े खड़े, है ना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, ऐसे होता है नहीं? कौन करता है? प्लांट. वाह, व्हाट अ टेक्नोलॉजी. ना पौधे खड़े हैं धूप में, कहते क्या कर रहा है? कहते कुछ नहीं, खाना बना रहा हूं. मोर देन 15 केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. हु मेक्स दिस केमिकल्स कंबाइन सो दैट दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द प्लांट्स? हु इंस्टॉल्ड द सिस्टम? वाओ, अमेजिंग. सो वी मे कॉपी द नेचर, बट वी कैन नॉट एक्चुअली रियली कॉपी द नेचर. अब किस किस ने डॉली के बारे में सुना है? The first clone, yes. तो डॉली बनी भी कैसे थी? हमने एक शीप से सेल्स लेकर के उसको आर्टिफिशियली एक मीडियम में डेवलप किया, उसके डीएनए को रेप्लीकेट किया, एंड देयर वाज डॉली का क्लोन.
But this dolly ka clone was weak. This dolly ka clone had less IQ. This dolly ka clone had less immunity. कमजोर थी डॉली का क्लोन, ऐसी थी डॉली का क्लोन ये, लेकिन जो डॉली थी, जो डॉली का ओरिजिनल फॉर्म थे, ये मेरे से निकली, मेरी जुड़वा है. सो इवन इफ वी कॉपी द नेचर, बट वी कैन नॉट डू इट द वे द नेचर इज डूइंग इट, सो परफेक्टली अमेजिंग. सो दैट मीन्स इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ, यू विल बी फोर्स्ड बाई द साइंस टू बिलीव इन गॉड. And that's why people like Isaac Newton and Albert Einstein, they all were God believers. They all were God believers. Why? Because they knew that behind all scientific phenomena, there is a super duper brain. Sir. Yes, please. Stephen Hawking ne usse bola tha sir. Yeah, dekhiye Stephen Hawking hai, of course. But aap dekhoge Stephen Hawking ki jo pehle ki theories hai, when he talks about time, when he talks about the relativity of time. And when he talks about creation, jitni bhi theories hain, they are now tending more towards God. Aap pehle ki theories dekho, they are more atheistic. Now he talks about the supernatural power of time, but who made the time? Right? Stephen Hawking ke ab jo articles, jo latest jo articles uske the, pehle ke articles comparison, they are more theistic actually. Though he doesn't talk about God. But if you see, he brings more supernatural things into his theories than before. अगर आपने किसी ने भी आर्टिकल्स पढ़े स्टीफन हॉकिंग्स के, पहले के आर्टिकल दे आर मोर लाइक दैट. लाइक रिसेंटली देयर वाज वन मोर थ्योरी अबाउट द गॉड्स पार्टिकल. आपने किसने ये थ्योरी के बारे में सुना, द गॉड्स पार्टिकल थ्योरी? द गॉड्स पार्टिकल थ्योरी. अच्छा, किस किस को समझ में आएगी, क्या थ्योरी है, क्या समझ में आएगी किसी को? आपको क्या है, साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आएगी. हाँ, यस, उसको बोलते हैं हिग्स बोसोन. क्या होता है, क्या होता है फिर उसमें? हाँ, और क्या होता है? ओके, और हर फॉर्म का मैटर जो है वो उस पार्टिकल से बना है. उस पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन मतलब छोटे छोटे जाओगे ना, एंड वो ही मिलता है उसके आगे कहीं. हाँ, और ये जो हिग्स बोसोन जो पार्टिकल है, हिग्स बोसोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर हिग्स, सो ही डिस्कवर्ड दैट हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. सो देयर वाज हिग्स बोसोन व्हिच वाज वेरी अनस्टेबल पार्टिकल, एंड एज सून एज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसके लिए देयर इज नो आंसर इन दिस थ्योरी. How does it come into existence? But they say originally there was one particle which had infinite temperature, infinite pressure, infinite density. आप इसे कितने लोगों ने मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें कि अगर किसी भी एक भी वेरिएबल की बात की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है तो क्या होता है पूरी इक्वेशन का? अनडिफाइंड. कहते जी पूरी इक्वेशन के चीज़ हो गया. कहते क्यों? कहते जो एक फैक्टर था ना वो इन्फिनिटी हो गया. अच्छा, ये जो हिग्स बोसन पार्टिकल की जो थ्योरी है, इसमें पता कितने इन्फिनिटी है? तीन तीन इन्फिनिटी है. डेंसिटी इनफाइनाइट, प्रेशर इनफाइनाइट, हीट इनफाइनाइट, प्रेशर इनफाइनाइट. तो इतने सारे इनफाइनाइट इक्वेशन के तरह से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इनफाइनाइट. आंसर क्या आएगा आपका? कहते जी धन्यवाद, हमारी इक्वेशन तबाह हो चुकी है, क्योंकि इक्वेशन में अगर इन्फिनिटी आता तो वो गया काम से. So this theory of God's particle theory, it is not even mathematically calculable. And there are many questions which were asked to those who say that there is God's particle and there is nothing godly about this particle. Ye jo God particle hai, it emanates Higgs field. And Higgs field is surrounded by antimatter. Antimatter gets mass and charge by the Higgs field. Samjha le maine bola? ठीक है. और हिग्स फील्ड के अंदर इतनी बुद्धि कैसे आती है कि प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज देती है, मास भी देती है, न्यूट्रॉन को वेरी कम मास बट लॉट ऑफ चार्ज, और न्यूट्रॉन का तेरे को ना चार्ज नहीं मिलेगा, सिर्फ मास मिलेगा. ये इंटेलिजेंस हिग्स फील्ड में कैसे आती है, इस बात का कोई जवाब नहीं है. सो देयर मेनी सच क्वेश्चंस व्हिच इट कुड नॉट आंसर, एंड दैट्स व्हाई जब ये गॉड्स पार्टिकल की थ्योरी निकली थी, जब पेपर में ना आई थी, फ्रंट पेज पर आती थी, फाइनली The scientists have found out our origin, the God's particle. But God's particle ki theory jo hai is now questionable, and it has got various flaws in it. Ye pata hai kaun se page pe publish hua tha? 10th page pe. 10th ya 8th page pe publish hua tha. God's particle theory is questionable. Lekin wo front page pe thodi aayegi, usse beizzati hoti hai na. Ha. Itne din God particle hua, uska log ha.
तो ये कौन से पेजेस पे कहते हैं, उसको 10-12 पेज पे डाल दो, फ्रंट पेज पे नहीं डालना, फ्रंट पेज पे हमने डाला था कि गॉड पार्टिकल थ्योरी, बट देयर इज नथिंग गॉडली अबाउट इट, मेनी देयर मेनी सच क्वेश्चंस व्हिच गॉड्स पार्टिकल थ्योरी कैन नॉट आंसर बिकॉज देयर इज नथिंग गॉडली अबाउट इट. ओके, सो देयर इज वन नाइस स्टोरी ऑफ आइज़क न्यूटन. आइज़क न्यूटन वाज अ थीस्ट, ही वाज अ गॉड बिलीवर. तो एक बार ये चर्चा कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, कहते हैं यार देख भगवान ने क्या दुनिया बनाई, क्या सृष्टि बनाई. तो उसके दोस्त ने कहा यार तू साइंटिस्ट होकर कैसी कैसी बात करता है, ऐसा तू इतना बड़ा साइंटिस्ट है. तो काफ़ी चर्चा होती थी, आर्गूमेंट्स काउंटर आर्गूमेंट्स दोनों की हुआ करते थे. तो कुछ समय बाद फिर आइज़क न्यूटन ने कहा चल ठीक है मेरे घर पे आ, हम लोग थोड़ा अपना छोले भटूरे खाएंगे, थोड़ा अपना सरसों का साग, मक्की की रोटी और मीठी लस्सी बनाएंगे, मेरी वाइफ बड़ा अच्छा बनाती है, पंजाबी मेरी वाइफ है, सो लेट्स हैव लंच टुगेदर. सो उस दोस्त को बुलाया, तो दोनों ने मक्की की रोटी खाई, सरसों का साग भी लिया, उसके बाद लस्सी वगैरह की उन्होंने. फिर उसके बाद आइज़क न्यूटन ने कहा चलते मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग. तो लेकर गया अंदर, लेकर गया अंदर, उसने ना बड़ा सुंदर सा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था, बीच में सन है, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स हैं और ये सारा. तो जब उसने देखा तो देखा वाह यार आइज़क न्यूटन तूने बहुत सुंदर बनाया यार, तूने कैसे बनाया इसको. कहता है मैंने क्या किया था ना, मैंने ना कुछ चीज़ों को डब्बे में डाला था और उसके बाद ना मैंने बम से फोड़ा इसको, तू फिर ये बन के आ गया. अरे आइज़क न्यूटन ऐसे क्या तू मजाक कर रहा है यार, बता तुझे कैसे बनाया इसको. कैसे बता तो रहा हूँ यार, मैंने बम फोड़ के बनाया इसको, मैंने डब्बे में कुछ चीज़ डाली फिर मैंने बम फोड़ा तुम और फिर ऐसे ऐसे बन गया. कहते कम ऑन बता तो यार कैसे बनाया, बहुत बड़े बनाए. कहते मैं तेरे को यही बता रहा हूँ कि मैंने जो मॉडल बनाया है तो तू कह रहा है कि मैंने बनाया है, पर तू ऐसा लल्लू लाल आदमी है जिसको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल मॉडल ये किसी ने बनाया होगा. तू कहता है नहीं 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 ये तो बम फूट के निकला है. जब ओरिजिनल मॉडल, जब ये एक मिनिएचर मॉडल किसी ने बनाया होगा तो वो ओरिजिनल मॉडल भी तो किसी ने बनाया होगा ना. सो देन इन दिस वे ही गॉट कन्विंस्ड दैट यस देयर शुड बी अ क्रिएटर. सो लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, देयर आर पीपल हु आर ब्यूटिफुल, देयर आर पीपल हु आर नॉट सो ब्यूटिफुल, देयर आर पीपल हु आर हैंडसम, देयर आर पीपल हु आर अग्ली, देयर आर स्टिंकिंग रिच पीपल, देयर आर पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एज वेल. One gets a medical education, becomes an MD doctor, and then lifts heavy weights and spends his entire life as a coolie. Who decides? कौन decide करता है? हम किसके यहाँ पैदा होंगे? हमारी intelligence अच्छी होगी नहीं होगी? कौन decide करता है? Do we choose our intelligence? No. कुछ होते हैं दिन में बस एक आधा घंटा ऐसे देख लेते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके. सिलेक्शन भी हो गया, उनका बीटेक में भी हो गया, एमबीबीएस में भी हो गया, सब जगह हो गया, चूज कर रहा है अखड़ बखड़ बम्बे को 80-90 पुलिस रूल ने भाई साहब. और दूसरे ने बंदे ने 14 घंटे कोचिंग कर करके ना यहाँ हुआ ना वहाँ हुआ ना कहीं हुआ, फाइनली पिताजी ने डोनेशन दे करके छोला भटूरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में जमा करा. कहता चल बेटा कुछ तो कर बेटा तू, और क्या. कहता अच्छा पढ़ा कितना था बेटा तू? पिताजी पढ़ा तो बहुत था, 14 घंटे मैंने पढ़ा, मैंने मैं बंसल ट्यूटोरियल भी जाता था, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, ये हुआ फला हुआ, लेकिन ये हुआ मेरे साथ. और कुछ ठीक है मोटा मोटा ये है ना, ये तो हो जाएगा, तो कर लेंगे, डायग्राम तो बना लूंगा मैं, तो कोई चिंता नहीं आती है. ठीक है मोटा मोटा चलो ठीक है यार, रात को मूवी देखने चलेंगे ना, रात को मूवी देख के आएंगे. अच्छा रात को मूवी भी देख के आ गए भाई साहब, अगले दिन पेपर भी दिया है भाई साहब, सिलेक्शन भी हो गया भाई साहब. अरे वाह. तो ये सिलेक्शन कौन करता है इंटेलिजेंस का? सबसे पहला सो शार्प क्विक, ऐसा बदला स्लो. हाँ? ये क्या बोल रहे यार, तो बता रहे क्या बोल रहे हैं, आज सर ने क्या समझाया था, वो कुछ नहीं समझाया यार. कहते भाई यार इतना तो आसान था यार, इट वॉज सो इजी मैन. डू वी चूज? सम पीपल आर ब्यूटीफुल, सम पीपल आर नॉट सो ब्यूटीफुल. कुछ लोग हैंडसम होते हैं, कुछ लोग हैंडसम नहीं होते. डू वी चूज? अपने माता पिता हम लोग चुनते हैं कि अगली बार यार बिल गेट्स के यहाँ जन्म लेंगे, बहुत हो गया यार, ऐसा हम डिसाइड करते हैं. सो हु डिसाइड्स? इज इज रैंडम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो असीन पुलिस हो. सर आप ना रणबीर कपूर बन जाइएगा, ठीक है सो में लगा धागा चोने के लिए बात, तू कुली बन जाइयो. हाँ, और इस तरह करते करते यार आप टॉम क्रूज बन जाना अगली बार, ठीक है, और तुम दीपिका पादुकोण बन जाना अगली बार, और तुम अफ्रीका के जंगल में सिंगा लिंगा हु फुर रैंडम. इज इट लाइक दैट?
down. So there is a phenomena who is deciding all this. Right? So who decides? We choose. We choose all these things. But there are many things which we don't choose. Our parents, our beauty, face cut, our intelligence, we don't choose, right? So who chooses? And on what basis? Is it by chance? Is it by chance? No. Yes, you have a question, yes. When you're asking about the intelligence, what are you focusing upon? Focusing means rationality. Being rational. Having the power of discrimination. What is right, what is wrong. Decision making. Understanding, comprehension, samajhna cheezon ko, absorb kar paana, absorb na kar paana. These are all facets of intelligence. In just this part, absorb kar paana or absorbing paana. It's called natural rationale, but something can be increased and depends on the environment. But that too also to some extent. That too to some extent. For example, somebody is not having a very good IQ. Ho sakta hai IQ ke sawal kar karke, thoda sa acha ho jaye. But aisa nahi that immediately he becomes a genius. ऐसे नहीं होता. सम पीपल आर बॉर्न जीनियस. कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं करते. बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं कर, लेकिन जीनियस है. बचपन से ही जीनियस है. लाइक देयर वाज आई सॉ वन बॉय, ही डिफीटेड विश्वनाथन आनंद इन चेस. ही जस्ट 7 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स ओल्ड, 10 साल का बच्चा है. डिफीटेड विश्वनाथन आनंद. वाओ, अरे कहां से आया उसने. सो सम पीपल आर बॉर्न जीनियस. If I'm not a great genius, I may practice and may become a little intelligent. Main pehle thoda sa buddhu tha, but now I'm normal. But not that immediately they become, oh, tigli mein ho jaate ekdam. Na, aisa nahi hota. Like somebody is not so beautiful. Ho sakta thoda makeup karke ho, thoda sa usne apna weight loss kiya, aur wo theek thaak dikhta hai ya dikhti hai. Par aisa nahi ki wo Miss Universe ho jayegi ekdam se. Aisa nahi hota. So that means, to some extent we manipulate. But really speaking, by birth, some people are so blessed. Really blessed in terms of intellect, in terms of their physical appearance, in terms of their parents, their facilities which they have. Wow. And some people are not so blessed. So who decides? Of course, who decides? What decides? That for that we had a session on. But there are phenomena which are beyond, and they are beyond by chance. So there is amazing order at atomic structures, like there is RNA, DNA, FCC, BCC structures. You might have studied in chemistry. Right. So there is an amazing order at microscopic level as well as at macroscopic level. There is an order. Order tabhi hota hai when there is someone to keep everything in order. Like jaise aapke is college se administration ka department gayab kar dein. Kehte chalo ji bahut ho gaya administration, gayab karte hain. What will happen in the college? It would be mess. Even in the mess, there would be a mess. Right? So someone is there to keep things in order. Yeah. Chemical elements arrangement in the periodic law. Do we call it periodic law or periodic chance? Aapne periodic table dekha na? HHELIV. Right? So it is a periodic table. The physical properties and chemical properties, they change both vertically and horizontally. Kis kis se chemistry padhai? Yes, we all studied that. Whether we go horizontally or vertically, chemical and physical properties in the periodic table, they change, and that too gradually. And that too gradually. Chahe unka volatile nature change ho, chahe unka boiling point change ho, melting point change ho, but gradually increases or decreases. But you don't call it periodic chance. What do we call it? Periodic law or periodic table. And still more elements are getting added to it. Like that. So even road sign that regulates traffic has originator and controller. Like that. Okay. Laws of mechanics. बताओ ये कौन है जिसने एप्पल गिरते हुए देखा? Yes. So Isaac Newton also discovered the law. Not that he created the law of gravitation. It was discovered by him. So scientists, they discovered the laws, but they are not the creators of the law. Like Archimedes, when he was bathing in the tub, the bathroom में नहा रहे थे वो. नहाते नहाते क्या हुआ? तैरने लगे. Oh, अरे हम तैर रहे हो. Law of flotation. There is a buoyant force. अच्छा किससे आ रही बॉयंस फोर्स उसके अंदर पानी के अंदर? आर्किमिडीज वाले की कि थोड़ी हल्दी डाल दो बॉयंस फोर्स आ जाएगी उसके अंदर? नो, उसके पहले भी लोग तैरा करते थे. राइट? पीपल यूज्ड टू फ्लोट. रीजन बीइंग देयर वाज, देयर इज ऑलवेज अ बॉयंस फोर्स, देयर इज लॉ ऑफ रोटेशन ऑलवेज वर्किंग. बट साइंटिस्ट, दे डिस्कवर द लॉज. जैसे नदी किनारे अगर मुझे एचएमटी की घड़ी मिले, सो आई एम द डिस्कवरर ऑफ द वॉच, बट हु मैन्युफैक्चर्ड इट?
HMT, right? Yes. So there are laws of physics. जैसे physics में आते optics आता है. If you, because there are two different mediums, so the thing appears to be broken. Right? Laws of thermodynamics are there. ये equation बड़ी प्यारी प्यारी सी है. आप इनको देख लीजिए. You can relish them. How then can our birth, beauty, intelligence only be random events when everything in this world is having an order? At microscopic level, at macroscopic level, there is an order. There is an order in terms of social organization among the bees. There is a queen bee, एक रानी मक्खी होती है और बाकी सारी slaves होती है. They work for the queen bee. So there is a social order even at the level of bees. Architectural skills for the spiders. Amazing. The way spider knits the web is extraordinary. बनाता भी है उसको खा भी जाता है. आप से किसने किसी व्यक्ति ने क्या था? घर बनाया फिर घर को खा ले, फिर खा ले, फिर पचा ले, फिर दूसरी जगह जाए, फिर निकाल ले, फिर घर बना ले. My Lord. और वो खुद जाले में नहीं फंसा, बाकी और कोई है ना फंस जाता है. So who has designed all this? So there is a structure even on the level of insects and the bees. Craftsmanship. Just the energy emitted by the sun in 1 second is greater than the amount of energy consumed by human race throughout the entire history. अब तक हम सब ने मिलकर के जितने इंसान हुए, जितनी एनर्जी हमने खर्च की है, उससे ज्यादा एनर्जी सूरज से 1 second में निकल जाती है. Who is managing this energy? Like we have two kinds of reactions, chemical fusion reaction and fission reaction. Fission reaction we can still control, but fusion reaction ko bhi aaj tak scientists control nahi kar paaye. Fusion reaction hoti hai ki bas chhod do, bomb phatega, wahan se bhag jao. So fission reaction can still be used by scientists to make, to run dynamos and manufacture electricity, but not fusion reaction. Fission kar lete hain. You know, who knows about fission and fusion reaction? Sabne suna hai is bare mein na? So in the sun, which reaction is happening as per the scientist? Fusion reaction. Only in one place there is fusion reaction in controlled fashion. The sun. The sun. In this world, no place they can control the fusion reaction. Only in the sun. Aur sun mein fusion reaction to phad jaye phir aur hum sab jal ke khraak ho jaye. Par aisa nahi hai, roz subah bhai sahab ug jate hain. हमको भीनी भीनी रोशनी देते हैं, गर्माइश देते हैं और फिर कहते चलो मैं यहाँ अब अस्त हो रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा हूँ. अब फिर वहाँ न्यूयॉर्क में निकल जाते हैं. अच्छा वो क्या चीज़ है? कहते थे वो फ्यूजन रिएक्शन चल रही है. वाह जी वाह, क्या बात है. तो और यूजली फ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है? मतलब जो भी आपका फ्यूल है एक इमीडिएटली इट इज कंज्यूम्ड. इस साथ है सन के साथ ऐसा कैसे बस खत्म होता है वो सूर्य, बस आज ही खत्म हुआ है, आज फ्यूल खत्म हो गया उसका, सारी हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो गई है, तो सूरज तो गया. कैसे होगा? नो. सो इन एंटायर यूनिवर्स ओनली इन वन प्लेस फ्यूजन रिएक्शन इज इन कंट्रोल्ड फैशन, दैट इज द सन. क्या? सो एट माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल यू सी दैट प्रिसाइज लॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ल्ड. लॉज इंप्लाई अ lawmaker, we just discussed. Please think and respond honestly. Have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? Like this machine came by chance and has no purpose. Aisa hai? No. So every machine has got a purpose. Yeah. So two fundamental questions. What is the origin of the universe and what is the purpose of this complicated universe? We are trying to see the world around us so that we can find our meaningful existence in it. Hum ye kyun jaanch rahe hain is bare mein? Kyun hum log जान रहे इस बारे में? सो दैट आई कैन नो अबाउट माई सराउंडिंग वेयर आई एम लिविंग एंड आई कैन जस्टिफाई माई एग्जिस्टेंस हियर वाई आई एम हियर एंड देन वी विल लिव अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ. अदरवाइज पीपल लिव अ वेरी मीनिंगलेस लाइफ. लाइक आई वाज टेलिंग इन माई सेशन, राइट, समबडी बोर्डेड द ट्रेन. जिसने पूछा भाई तू ट्रेन में क्यों चढ़ा? तो उसने कहा कि सब चढ़े तो हम भी चढ़ गए. तो भाई साहब ट्रेन से फिर कहाँ उतरोगे आप? जहाँ सब उतरेंगे तो हम भी उतर जाएंगे. तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? जैसा बोलो कुछ देंगे. कौन है? नॉर्मल है कि पागल है? नॉर्मल नहीं है ना. तो जो नॉर्मल है उसको क्या बोलते हैं? सर नॉर्मल बोलते हैं, पागल बोलते हैं. उस तरह से कोई हमसे बोले भाई साहब आप क्यों जी रहे हो,
सब जी रहे मैं भी जी रहा हूँ। अच्छा तो लाइफ में तेरे को करना क्या है, तेरे को करना क्या है लाइफ में? जो सब करेंगे हम भी कर लेंगे। तो ये आदमी क्या है, नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। और इस तरह से आप देखो दुनिया में 99.99% लोग क्या है, पागल ही है। लेकिन पागलों की खास बात क्या होती है, पागल खुद को पागल नहीं मानता। पागलता हम तो बहुत समझदार हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आई एम वेरी क्वालिफाइड, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आई एम वेरी एजुकेटेड। अच्छा अच्छा पढ़े लिखे पागल, ठीक है। सो दैट इज वी आर टू नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, अदरवाइज आई एम पागल। पागलों की तरह जिंदगी बिता रहे थे लोग, एंड दैट्स व्हाई पीपल कमिट सुसाइड, बिकॉज वन टाइम दे से यार मैं हूँ क्या और मैं क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, किस बात से जवाब नहीं होता, कहता लाओ जी फिनाइल की गोली लाओ, तब होता है। So that's why we are trying to understand the purpose of this universe and then my meaningful existence in it. That's why we are discussing all this. So Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, "O Arjuna, everything rests upon me as pearls are strung on a necklace." जैसे ये अभी necklace है, can you see the thread? पर ये इस form में क्यों है? Because of the thread. Similarly, everything is resting on the Lord. The Lord is not visible, just like the thread is not visible here. But everything is resting on Him. अगर भगवान अगर दुनिया को छोड़ देना, this entire world will collapse. This body will collapse, will disintegrate, just because the Lord is maintaining it. ये mic पता है, ये इस form में क्यों है? Just because Lord is maintaining it by His presence. Otherwise, this will also disintegrate. So, just like the thread is not visible, similarly, God is not visible. कहाँ है भगवान? अगर भगवान, भगवान, भगवान. जैसे एक बार ना एक माँ की कोख में जुड़ा बच्चे थे, तो एक बच्चे ने बोला, कहते यार पता नहीं यार हम लोग यहाँ से निकल जाए, हम लोग यहाँ से निकलेंगे कभी? कहता है यार कहाँ निकलेंगे यार, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहते लेकिन फिर भी यार अरे मुझे लगता है कि एक ना एक दिन हम लोग माँ को देखें। कहते हैं क्या माँ की बात कर रहे तू, कहाँ है माँ, पता कहाँ है माँ, कहाँ है माँ? कहते हैं माँ यार चारों ओर माँ ही। तो कहता क्या, कभी देखा तूने माँ को, कभी देखा तूने माँ को? ऐसे बोल रहा है तू, माँ माँ कर रहा है। कोई माँ माँ कुछ नहीं होती यार, बस यही अंधकार में रोना होता है और अंधकार में रह करके मर जाना होता है। तो उसने कहा लेकिन फिर भी यार कभी कभी ना जब मैं जब शांत मन से जब सुनता हूँ तो उसकी आवाज़ मेरे को आती है, माँ है तो सही। दूसरे कहा भाई तू पागल हो गया, कोई माँ वगैरह नहीं होती है, बस यहीं पर है ऐसी नाल हमारे पेट में रहती है, ऐसे आता रहता खाना। कहते लेकिन जिससे आता होगा सोचता वही हमारी माँ हो। क्या पागल है तू, अरे नाल ऐसे गई हुई है वहां से बस सामान आता रहता है, कहाँ से आता मुझे भी नहीं पता, लेकिन माँ वहां कुछ नहीं होती है, लेकिन दोनों है किसी कोख में, लाइक दैट। सो कैन यू शो मी गॉड, लाइक पीपल से अगर भगवान है तो दिखाओ जी कहाँ है, वेयर इज ही, कभी नजर तो आए, कभी गलती से नजर आए फिर गायब हो जाए। कहते हैं ये खड़े थे यहाँ पर ही खड़े थे, अभी निकले हैं बाहर की ओर। कभी तो हो जाता है एक्सपीरियंस, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी दिख जाए? तो भगवान क्यों नहीं दिखते? पहले वो तो हमें अपनी आईज को देखना चाहिए, दैट आवर आईज कैन ओनली सी थिंग्स इन दिस स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विब योर जिसको बोलते हैं, वॉलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब योर। जो विब योर के इस तरफ है वो नहीं देख सकते हम, जो विब योर के इस तरफ वो नहीं देख सकते। इंफ्रा रेड रेज वी कैनॉट सी। जैसे अब ये जो मेरी ये है, यू कैन सी समथिंग ऑन द वॉल, पर इसके बीच में नजर आता है कुछ आपको? बिकॉज इट्स इंफ्रारेड रे, ये जो साइड रिम होती है इट इज इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे कैन नॉट बी सीन। अल्ट्रा वायलेट रेज यू कैन नॉट, पर जितनी लेडीज होती हैं इनके पर्स में देखो अल्ट्रा स्क्रीन, वो कहते हैं अल्ट्रा क्या बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट एडिशन से बचने के लिए कौन सा सनस्क्रीन लोशन देते हैं, क्यों आप क्यों रखती सनस्क्रीन लोशन लेडीज? क्या करें हमारे ना वो एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट रेज से ना सनटैन हो जाता है, फिर हम काली हो जाएंगे। अच्छा लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज, एक अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ है? लेकिन ये सूरज से आती हैं और फिर हमारी स्किन को जला देती हैं। लेकिन कैसे दिखे अल्ट्रा वायलेट रेज? नहीं दिखे हमें राइट, लेकिन फिर भी हम यूज करते भी प्रोटेक्ट आते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज, बिकॉज इंफ्रा रेड रेज कैन नॉट बी सीन एंड अल्ट्रा वायलेट रेज कैन ऑल्सो नॉट बी। हमारी रेंज बहुत छोटी है देखने की, एक्चुअली हमारे सूंघने की रेंज, हमारे सुनने की रेंज,
दे हैव गॉट देयर ओन लिमिटेशन. और हमारी आंखें ऐसी हैं जो चीज नहीं होती वो आंखें देखती हैं, और जो होती हैं वो आंखें देख नहीं सकती. लाइक कैन यू सी द ब्रेन, कैन यू सी इंटेलिजेंस, कैन यू सी ईगो. ईगो होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है. सर तल के पांव तो भरी गए हमारे अंदर और ईगो तो भरी हुई है. लेकिन ईगो कैसी दिखती है? वॉलेट होती है, ग्रीन होती है, कैसी होती है? कॉनिकल होती है, स्फेरिकल होती है, कैसी होती है ईगो? अच्छा मन होता है, मन, डू वी हैव माइंड? मन होता है, आज मेरा मन कर रहा है कि ना मैं ये करूं, मुझे ना मन की शांति चाहिए. मन की बात करते हैं, लेकिन मन को किसने देखा है? देखा किसने? ये देखा. अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स तो देखा कभी हमने, है कि किसी के हाथ ऐसे निकल के आते हो फिर उनको पकड़ के नीचे खींच लेते हो, कहते मैं ऐसे कूदा ना मेरे को किसी ने पकड़ के नीचे खींचा, मेरे को किसने खींचा? कहते वो ग्रेविटेशनल पुल ने खींचा. तो कहाँ है ग्रेविटेशनल पुल, दिखाओ यार कहाँ है? वेयर इज इट? सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच एग्जिस्ट बट आईज कैन नॉट सी. ऑन द अदर हैंड देयर आर थिंग्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट बट आईज मेक अस सी. लाइक फॉर एग्जाम्पल गरम गरम पानी, सॉरी गरम गरम जमीन पर पानी का आभास होना, इसको बोलते हैं मृत तृष्णा, मिराज. रोड होती है, कहते हैं वहां पानी पानी, कहते हैं पानी नहीं है, दैट इज मिराज, राइट? दैट इज मिराज. पर वहां पानी नहीं होता, पर आंखें क्या दिखा रही? पानी है. ड्यू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिसीव की ना, अगर पानी के अंदर कोई स्टिक डालो तो स्टिक टूटी नजर आती, बट स्टिक इज नॉट ब्रोकन. पानी का लो स्टिक तो सेम है, अंदर आओ टूटी नजर आती. अब इस दिन कहते लोग स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए हैं, स्विमिंग पूल के पास अगर आप खड़े हो जाओ ना, कहते पानी गहरा है, कहते नहीं नहीं तो कम गहरा है. अच्छा कूद जाते हैं, कहते क्या होगा? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है. लेकिन किनारे में खड़े होते नहीं इतना गहरा तो नहीं है, वैसे ये होगा एक फीट होगा, एक वो कूद गए यहाँ तक, ऐसा होता है तो जो दिखता है लेकिन वो तो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा. जैसे दो पैरेलल रेलवे के ट्रैक्स हैं ऐसे जा रहे होते हैं और आगे जा करके मिल रहे होते हैं, आंखें ये दिखाती दोनों आगे जाके मिल रहे हैं, पर मिल रहे होते हैं वो नहीं, पर आंखें क्या दिखा रही है? वो मिल रहे हैं. यस, सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड व्हिच एग्जिस्ट बट आईज कैन नॉट सी, एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट बट आईज मेक अस सी. तो आंखें परफेक्ट हुई कि इम्परफेक्ट हुई? इम्परफेक्ट. तो एक इम्परफेक्ट चीज से एक परफेक्ट पर्सनैलिटी को देखने की कोशिश करना, ये समझदारी है, बेवकूफी है? यस एग्जैक्टली. तब भी हम भगवान नहीं देख पाते क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है. ये इंस्ट्रूमेंट खराब है हमारा, दिक्कत इंस्ट्रूमेंट के साथ है, उस व्यक्ति के साथ नहीं है. ये इंस्ट्रूमेंट खराब है हमारा. सो इवन मटीरियल थिंग्स विच आर मेड ऑफ मैटर वी कैनॉट सी, व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट विच इज स्पिरिट, हाउ कैन वी सी दैट विद दीज आईज? इवन टू सी बैक्टीरिया आई नीड माइक्रोस्कोप, टू सी द स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज आई नीड टेलीस्कोप. सो आई नीड एन इंस्ट्रूमेंट टू सी दोज विच आर बियॉन्ड माई विजन. जैसे अगर आप लोगों को देखना हो, अगर मैं ये हटा दूं देन आई कैन नॉट सी यू. मैं वही हुआ, हाँ कुछ तो बैठे तो हुए लेकिन अंग्रेज हैं, इंडियन है, कुछ नहीं मिला. मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू सी यू, राइट? सिमिलरली वी ऑल्सो नीड एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट वी कैन सी द रियलिटी, वी कैन सी गॉड. स्टिल इट इज पॉसिबल टू एम्पेरिकली प्रूव दैट वी आर लिविंग इन अ यूनिवर्सल गवर्नमेंट प्रिसाइडेड बाय गॉड. सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन यूनिवर्सल गवर्नमेंट एंड God's own, so we'll not get into that because it will take a lot of time. But yes, some of them, like for example, Ministry of Energy is there in the government of any country. So there is Ministry of Energy taken care of by Sun and Moon. Finance Ministry, currency or wealth. So there is gold, silver, navratnas, diamonds, etc. Like that. Health Ministry, hygiene and sanitation. Sun and rain keep cleanliness. Pigs, fishes, and they eat stool and they maintain cleanliness in the nature. Home Ministry, law and order is there. In universal government, there is also home ministry, which is being driven by, say for example, somebody does not follow the law, you'll get illicit sex, or say somebody engages in illicit sex, or one gets AIDS, by smoking one gets cancer, by drinking one gets liver problems, tobacco one gets bronchitis, like that. So there are laws also here as well as there. So in a country where there is a government, so in a universal government of God, same ministries are there. Okay, so lessons from the universal government. Behind every government there is a prime minister, behind universal government there is God. So if break governmental laws, you will be punished. Break laws of God, bring suffering. God is the owner of the universe and God is the supreme controller of the universe. So Albert Einstein, what he used to say, I believe in God
who reveals himself in the orderly harmony of the universe. I believe that intelligence is manifested throughout all nature. These basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of chance. When I sit here and watch the mighty ocean, I can imagine the treasures hidden below the bed of the sea. When I see the clear blue sky above, I see the sky is the limit. When I cast my eyes around, I see wonders and beauties of nature. Science must learn to live in harmony with these magnificent gifts of God to humanity. So Albert Einstein was a God believer, and he knew. And once he also said that when I read the Bhagavad Gita, all the theories about creation and within this creation, they appear so superfluous. Hum kya kya lage hue yaar? Bhagavad Gita is explaining everything in such a beautiful way. So these are words of Albert Einstein. Yeah. All right, we'll stop here. Anybody has any question? Yes. सर जैसे कि आपने अभी बताया कि गॉड की जैसे एग्जिस्टेंस, मेरा क्वेश्चन ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है ठीक है, बट इसको गॉड को कोई डिफाइन कैसे करेगा? जैसे इतने रिलीजन्स हैं हम देखते हैं हमारे वर्ल्ड में, और इतने जैसे कहते हैं हिंदुइज्म में भी इतने गॉड्स हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करा जाए? ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं, बट कौन कहते हैं, क्या शेप है, कब हुए, क्या हुआ, ये सब चीजें कौन डिफाइन करेगा? और इतने रिलीजन्स हैं तो कैसे किसमें बिलीव करें? वेरी गुड क्वेश्चन. तो भाई अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो किस पे विश्वास करें, कि हिंदुओं के भगवान ठीक हैं या मुसलमानों के भगवान ठीक हैं, या इन सबके अलग अलग भगवान हैं? क्रिश्चियंस के अलग भगवान, हिंदूज के अलग भगवान, हिंदुओं के अलग भगवान, सबके अलग अलग भगवान, जुदाइज्म के अलग भगवान, सिखों के अलग भगवान, सो अलग अलग हैं, एक ही हैं क्या? माजरा क्या है ये? लाइक सूरज जो है, सूरज को क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सूर्य, सूरज, प्रभाकर, निशांतकर, इसमें नाम किसके हैं? सूरज के. बट वन सन, और ये सूरज क्या करता है? रोशनी सबको देता है. भले मैं यहाँ खड़ा हूँ और सूरज को देखूँ, मैं कहूँ ओह दैट्स एन इंडियन सन, यू नो, बिकॉज इट इज शाइनिंग अबव इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज इंडियन सन. आज जो पाकिस्तान में बोलेगा चले सन तो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के ऊपर चमक रहा है वो क्या होगा? पाकिस्तानी सूरज. और दोनों भिड़ रहे हैं, नहीं सूरज इंडियन है, नहीं लाहौल लाखुद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो सूरज है वो तो पाकिस्तानी है. और दोनों लड़ रहे हैं, चाइना और साथ में आ गए, नहीं सूरज चाइनीज है, हमारे बेजिंग में आइए, बेजिंग में आपको सूरज चमकता हुआ नजर आए, इसलिए सूरज चाइनीज है, नहीं पाकिस्तान, नहीं इंडियन. ये लोग समझदार है, बेवकूफ है. डिफिकल्ट सवाल पूछा मैंने, ये लोग समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है क्योंकि सूरज ना तो इंडियन है, ना पाकिस्तानी है, ना चाइनीज है, ना यूरोपियन है, ना नॉर्थ अमेरिकन है, ना साउथ अमेरिकन है, वो इन सब के परे है. और सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, चाहे चाइना हो, जापान हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब जगह पर सूरज अपनी रोशनी देता है. उस तरह से भगवान भी एक ही है. बट यस, गॉड कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, सॉरी एक्सक्यूज, बाय वेरियस नेम्स एंड गिविंग डिफरेंट डिटेल्स इन डिफरेंट रिलीजन, बट एक्चुअली गॉड इज वन. एक समय दो दोस्त थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, और दोनों की बहुत ही दोस्ती थी. तो इनकी दोस्ती को देखकर व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम लोग यार, तुम लोग की दोस्ती इतनी अच्छी कैसे है? हिंदू मुसलमान देर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के दूसरे सर फोड़ रहे होते हैं, तो तुम लोग की दोस्ती कैसे है? तो उन दोनों ने बहुत ही बेहतर जवाब दिया. उन्होंने कहा, देखो जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है. अगर कुत्ता अपने मालिक को रीड एंड टेलर थ्री पीस सूट में देखे, तो कुत्ता अपने मालिक को पहचानेगा नहीं पहचानेगा? पहचान लेगा. अच्छा, अगर कुत्ता अपने मालिक को पठानी सूट में देखे तो पहचान लेगा. अच्छा, कुत्ता अपने मालिक को धोती कुर्ता में देखे तो पहचान लेगा. अच्छा, कुत्ता अपने मालिक को स्विम सूट में देखे तो पहचान लेगा. अच्छा, कुत्ता अपने मालिक को बिना कपड़ों को देखे तो पहचान लेगा. कुत्ता अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है. उसी तरह से जब एक ही प्रभु, जब अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग नाम से जाने आते हैं, जैसे कि सूरज है, प्रभाकर, निशांत, सो मेनी नेम्स, सो वन सेम गॉड इज वर्शिप्ड इन डिफरेंट रिलीजन्स बाय डिफरेंट रिचुअल्स, बाय डिफरेंट रिचुअल्स, व्हेन वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट, तो हम कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हैं. हमने कुत्ता भी अपने मालिक को पहचान लेता है, हम ये जो अपने मालिक को नहीं पहचान पा रहे,
नहीं, वो मालिक अलग है, वो अल्लाह जो है ना उनका मालिक है मुसलमानों का, हमारा मालिक वो कृष्णा है, हमारा अलग अलग, हमारे अलग अलग मालिक है। इसका मतलब ये आदमी कुत्ते से भी अलग है, बोल रहे हैं कुत्ता भी अपने मालिक को पहचान लेता है, हम लोग अपने मालिक को पहचान नहीं पाते। सो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यस, सो गॉड हैज गॉट वेरियस नेम्स, जैसे हमारे भी अलग नाम होते हैं राइट। जैसे घर में उसका वैसे जो सर्टिफिकेट पे नाम है वो है सूरज, ठीक है, और कॉलेज उसको बुलाते हैं केले का छिलका, ठीक है, और घर वाले उसको बुलाते हैं पिंटू, कहना हमारा पिंटू, अब पिंटू आ गया जी। अच्छा पेपर क्या नाम? सूरज। दोस्त बुलाते हैं केले का छिलका, अमरूद का कीड़ा बुलाते हैं उसको, ये तो उसके अलग अलग नाम है, अमरूद का कीड़ा, केले का छिलका, लुखा टपोरी, सूरज और पिंटू। अच्छा बंदा कौन? एक विक्रम भी है, विकी भी है, डिफरेंट नेम्स बट वन सेम पर्सन राइट। सिमिलरली गॉड का नाम कृष्णा भी है बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव, गॉड का नाम अल्लाह भी है बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, गॉड का नाम जिहुआ भी है बिकॉज ही इज मोस्ट मर्सीफुल, गॉड का नाम क्राइस्ट भी है बिकॉज ही इज मोस्ट प्योर राइट। तो भगवान प्योर भी है, ग्रेटेस्ट भी है, और मर्सीफुल भी है, और अट्रैक्टिव भी है। तो इसलिए भगवान के अलग अलग नाम है, लेकिन पर्सनैलिटी वन, एंटिटी इज वन। तो जो लोग फाइट कर रहे हैं नहीं हमारा मजहब जिहाद, लल्लू लोग हैं। एक समय एक इंडियन क्या हुआ, वो तालिबान टेरिटरी में घुस गया, तालिबान ने बंदूक तान दी उसको, हे तू हिंदू है कि मुसलमान? तो उसने कहा मैं तो मुसलमान हूं। तो उसने कहा अच्छा तू मुसलमान है, कुरान की आयत सुना चल। तो उसने बोले सर धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या ठीक है जा। तो उसके दोस्त ने बोला अरे उसने तेरे को कुरान की आयत बोली और तूने तो उसको गीता का श्लोक लपेट दिया तेरे को, और वो भी ढक्कन छोड़ दिया तेरे को। तो इसके दोस्त ने कहा अगर इसने कभी कुरान पढ़ी होती तो आज उग्रवादी नहीं होता। सो ऑल दोज हु आर फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर रिलीजन, दे आर फाइटिंग फॉर पावर, दे आर लस्टिंग फॉर पावर, नॉट दैट दे आर वेरी अल्लाह लवर और गॉड लवर और ईश्वर लवर। कुछ नहीं, पूरी दुनिया हमारा साम्राज्य होना चाहिए, बस हम राज करेंगे। सो रिलीजन डजंट कॉज वॉर, इट इज द थर्स्ट फॉर पावर दैट कॉज वॉर, ठीक है। सो गॉड इज वन, गॉड इज वन, ही हैज गॉट वेरियस नेम्स, सम पीपल वर्शिप हिम लाइक दिस, सम लाइक दिस, सम लाइक दिस, बट एक्चुअली ही इज वन। यस, और कोई सवाल किसी का? यस सर, कभी कभी जैसे धार्मिक किताबें हैं विश्वास उठ जाती है, शायद हम डर से विश्वास करते हैं, या फिर कभी ऐसे रामायण में या फिर गीता में सर जब हनुमान जी सूर्य को खोद लिए थे, तो पूरे विश्व में अंधेरा हो गया था, ऐसा हुआ था, लेकिन ये बात से पूरे वर्ल्ड के लोगों को जानना चाहिए, वो सिर्फ इंडिया के लोग ही क्यों जाने और दूसरे देश के लोग क्यों नहीं जान पाए चीज को? जो जान गए अच्छी बात है, जो नहीं जान पाए कोई बात है। जैसे अभी ये सूर्य खाने की बात है, कोई बोले बताओ कोई कौन सूर्य खा सकता है? क्या दिस इज ऑल माइथोलॉजी यार, क्या आप लोग पढ़े लिखे हो गए यार, किन चक्कर में पड़ गए यार, सूर्य खा गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक आदमी का नाम है हु कैन ईट एनीथिंग इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट खाता वो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी आपको अगर मिले उसमें देखना, उसमें मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, ही ईट्स ट्यूबलाइट और पचा भी लेता है। अजीब वाली बात है ना, बट इवन ह्यूमन बींग्स कैन डू सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन वर्क, सो व्हाई नॉट हिम, ही कैन आल्सो डू। सो इफ दे नो वेरी गुड, इफ दे डू नॉट नो यू एजुकेट देम, ठीक है ना। और कोई सवाल किसी का? यस हाँ जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि दो बच्चों तो जुड़ा बच्चों का कि माँ की कोख में हो, ठीक है, तो आपने बोला था कि भगवान का प्रेजेंस जो भी है, गॉड का प्रेजेंस है इस वर्ल्ड में, तो गॉड का प्रेजेंस है इस वर्ल्ड में, तो इसमें सफरिंग क्यों है इस वर्ल्ड में? वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन, वेरी नाइस, क्यों है इतना? इस सवाल के लिए तालियां बजा दी। वही अगर भगवान है तो दुख क्यों है, क्यों तड़प रहे हैं लोग, इतना संघर्ष कर रहे हैं लोग, इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं?
और बैठे बैठे मजा ले रहे हैं। चलो जी मैं यहाँ बैठता हूँ, मारो पीटो, चलो मारो, तेरे को कोड होगा तू मर, तेरी बस जा रही होगी ना तो मैं धक्का दे दूंगा बस का, तो सब मर गए। बहुत गुदगुदी मेरे को ये लोग मरे। डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, नो इट डजंट। सो गॉड है तो फिर सफरिंग भला क्यों है? व्हाई देयर इज सफरिंग इफ देयर इज गॉड? तो इसके लिए आई गिव यू वन स्मॉल एनेक्डोट, एन एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है कि ना बच्चे माँ के पास, छोटे बच्चे होते हैं, माँ बोलते मम्मा मम्मा घर घर खेलना, मम्मा मेरे को घर घर खेलना, मम्मा मम्मा कहते बेटा तुम्हें क्यों घर घर खेलना है, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ ना, आई गिव टू यू। तुम्हें क्या चाहिए? तुमको पास्ता चाहिए, तुमको नूडल्स चाहिए, मम्मा देगी तो ना तुमको। मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा मुझे घर घर खेलना मम्मा। मम्मा कहते ठीक है जी, लो जी। तो माँ उसमें ना फ्राइंग पैन ला देती है, स्टोव ला देती है, और कहते चलो घर घर खेल लो। फिर वो लोग घर घर खेलते हैं, उसमें कुछ बच्चे होते हैं बंटी बबली बन जाते हैं, कहते हैं मैं हस्बैंड तुम वाइफ बन जाओ, ठीक है, और ये छोटे जो है पिंकू बबली ये हमारे बच्चे बन जाएंगे, और फिर हम लोग घर घर खेलेंगे। फिर घर घर खेलते हैं, तो घर घर खेलते खेलते जो है वो फिर अपना घर खेलते हैं, फिर कहते हैं ओके बाय बाय डार्लिंग सी यू इन द इवनिंग, हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे, शाम को घर आप टाइम से आ जाना, ओके बाय बाय। ऐसे घर घर खेलते बच्चे, हमने भी खेला बच्चों है ना, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो खेलते खेलते क्या होता है उनको भूख लगती है, तो बच्चों को भूख लगती है, तो बच्चा माँ के पास आता है मम्मा मम्मा भूख लगी मम्मा। माँ कहती है लेकिन बेटा आपके पास तो फ्राइंग पैन भी है, आपके पास तो स्टोव भी है, आपके पास तो सब कुछ है बेटा, तो आप ना खाना बना लो आप। नहीं मम्मा नहीं मम्मा बहुत भूख लगी मम्मा, मेरा बच्चा मेरा सोना। अच्छा माँ फिर उसको नूडल्स खिलाती है, पास्ता खिलाती है, और बच्चा हैप्पी होता है। ऐसा होता है उसी तरह से when people try to enjoy independent of God, तो भगवान उनको इस दुनिया में घर घर खेलने का मौका देते हैं, और कहते हैं भगवान आपके साथ हमें खुश नहीं रहना, मुझे अपना अलग से कुछ करना है मेरे को। भगवान कहते हैं भाई मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कीप इट फॉर योर सेल्फ, माई किंगडम इज फॉर यू माई चाइल्ड। कहते नहीं मुझको अलग से अपना घर घर खेलना है। भगवान कहते चल ठीक है, फिर उसको यहाँ द्वारका में 3 BHK फ्लैट एक गाड़ी ये वो देते हैं, तो सब घर घर खेलते हैं, कुछ वाइफ बन जाते हैं, कुछ हस्बैंड बन जाते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं, और फिर कहते हैं ओके डार्लिंग शाम को घर टाइम से आ जाना, हाँ हम लोग कैंडल लाइट डिनर पर चलेंगे, ओके बाय बाय हे हे हो हो, और फिर घर घर चलता है। और घर घर चलाते चलाते क्या होता है कुछ समय बाद ना वाकई भूख लगती है, लेकिन भूख यहाँ की भूख नहीं है, ये भूख है यहाँ की भूख है, तो मन में शांति नहीं होती, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, फिर हम प्रभु के पास जाते हैं, चलो मंदिर चलते हैं प्रभु के पास चलते हैं, चलो प्रभु शांति नहीं है, शांति नहीं है। भगवान कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, क्लब की मेंबरशिप भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुमको तो मेरी जरूरत नहीं है, हैव गुड टाइम। कहता है प्रभु सब कुछ है, आप नहीं है तो क्या हुआ, बस आपकी शरण में कुछ प्लीज एक्सेप्ट करते। भगवान भी उसको एक्सेप्ट करते, आले मेरा लड्डू मेरे बर्फी मेरा कलाकंद, आले मेरा सोना बच्चा, एंड दिस इज सोल बिकम्स हैप्पी। सो द रूट कॉज ऑफ आर सफरिंग इज दैट व्हेन वी डू नॉट लिसन टू हिम एंड वी ट्राई टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ हिम देन वी सफर, दैट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। एक समय एक प्रोफेसर था, उसने क्या किया, नास्तिक था वो प्रोफेसर, उस प्रोफेसर ने कहा आप कौन कौन है जो कि भगवान में विश्वास करता है, तो एक बच्चे ने कहा सर आई बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सर गॉड एग्जिस्ट सर। अच्छा यू बिलीव एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड राइट, यस सर एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड सर, यस सर दैट्स ट्रू सर, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड सर। अच्छा इफ एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड दैट मींस ईविल इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम गॉड, why the hell your god created evil, you have any answer? No sir. Shut down. Nonsense. Aur koi hai jo bhagwan ki wakalat karne wala hai, anyone else who advocates the existence of god? Ek bachcha phir pyara sa khada ho gaya, sir I believe in existence of god. Acha you believe in existence of god? Yes sir I believe in existence of god sir, yes sir. Acha have you seen god? No sir. Have you touched god? No sir.
Have you heard God? No, sir. Have you smelled God? No, sir. It means, by the logic of direct perception, God does not exist. Where is it? Nonsense. Anyone else who advocates the existence of God? तो एक रिलीजियस फैमिली से एक बच्चा था, वो खड़ा हो गया. बच्चा खड़ा हो गया. बच्चे ने कहा, सर आई वॉन्ट अ क्वेश्चन सर. सर वन फ्रॉम यू, वन फ्रॉम चिल्ड्रन, कैन आई आस्क सर? अच्छा कहो सर, हम से सवाल पूछ गया. पूछ, क्या सवाल है तेरा? तो कहा, सर सर इज देयर समथिंग नोन एज डार्कनेस? टीचर ने कहा, यस ऑफ कोर्स देयर इज डार्कनेस. तो बच्चे ने कहा, पर सर व्हाट इज डार्कनेस सर? व्हाट इज डार्कनेस? तो बच्चे ने कहा, बेटा डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज डार्कनेस. सो सर इट मीन्स सर वी शुड ब्लेम द लाइट बिकॉज द डार्कनेस हैज बीन क्रिएटेड बाय द लाइट बाय इट्स एब्सेंस सर, सो वी शुड ब्लेम द लाइट. तो बच्चे ने कहा, नो, व्हाई शुड वी ब्लेम द लाइट? वी शुड बी ब्लेम्ड. स्विच ऑन करो, लाइट आ जाएगी, darkness चली जाएगी. So not that we should blame the light, we should be blamed. तो बच्चे ने कहा, सर similarly evil is nothing but the absence of God, just like darkness is nothing but absence of light, similarly evil, ये दुख, ये कष्ट, ये संघर्ष और कुछ नहीं है. ये क्या है? ये भगवान की अनुपस्थिति है. evil is nothing but the absence of God, and for that we cannot blame God, we are to be blamed because we chose absence of God, and that's why I have chosen evil. ये दुख, ये संघर्ष, ये कष्ट, ये और कुछ नहीं है, ये भगवान की अनुपस्थिति है. जैसे इस स्पार्क ऑफ द फायर, व्हेन इट इज नियर द फायर इट इल्यूमिनेट्स, व्हेन द फायर गोज, व्हेन द स्पार्क गोज अवे फ्रॉम द फायर इट एक्सटिंग्विशेस. चिंगारी आके पास रहती है, जगमगाती है, दूर जाती तो बुझ जाती. तो हम भी अगर बुझे बुझे क्यों है? भगवान से दूर है इसीलिए. तो बच्चे ने कहा, सर एक्चुअली evil इज नथिंग बट दी absence of God, and for that God should not be blamed, we should be blamed. Aur phir bachche ne kaha, sir second question from the children, sir can I ask sir? Pucho. Usne bola, okay children, who has seen the brain of professor? Nobody. Who has touched the brain of professor? Nobody. Who has tasted the brain of professor? Nobody. Who has smelled the brain of professor? Nobody. It means by the logic of direct perception, the brain of the professor does not exist. तो इसका दिमाग नहीं है, उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो यार? Take a chill pill. So why is it suffering? Suffering means absence of God. कभी आपने सुना है भगवान का एक भक्त था, उसने आत्महत्या कर ली? कभी सुना? कभी नहीं. Because those who are spiritual, they do not commit suicide because they have internally they are very powerful. हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ हो चाहे ना हो, हो सकता है पैसा हो चाहे ना हो, हो सकता है प्रोफेशनली दे मे बी सक्सेसफुल, दे मे नॉट बी सक्सेसफुल, बट दोज हु आर स्पिरिचुअल दे नेवर कमिट सुसाइड. कहते हैं, हाँ लाइफ में है उतार चढ़ाव चल रहे, बट आई एम ओके, दे आर स्ट्रांग. बट दोज हु आर अवे फ्रॉम गॉड बुझे बुझे होते हैं. क्या करें, शरीर शक्ल बुझी बुझी है. कहते कोई नहीं, फेरे हैंडसम लगा, थोड़ा कुछ तो बत्ती जला, पर ये क्रीम वाली बत्ती कब तक जलती है? सो दैट मीन्स when we are suffering, God is not to be blamed, we are to be blamed. When we try to become more materialistic, we suffer like anything. Nowadays, it's so common to have stress management seminars in corporates. Oh, very common. Because materialistic life is full of stress and anxiety. But because we are away from Him, away from God, that's the reason. Think, aur kuch sawal hai? Yes? Yes. Okay. Okay, dekh lo, jo bhi aap hai. I have a question which might sound rude. So that's okay. Okay. So there is somebody or something out there, there is creator, and I am the creation. Right? Yes, yes, yes. Who decides to choose this? Why am I the creation and he is the creator? Why not I am the creator and he is the creation? Why is that person or whatever it is, that is God? Why is that authority given to that thing only, whatever it is? Actually, authority is not given to him. Because anyone who will give authority should be considered God. Why is this like God is not given authority by someone? कहते हैं मैं भगवान हो जाऊं, and then authority says चल तू भगवान हो जा, creator,
और तुम चिंगू पुंगू तुम लोग क्रिएशन. तो हम कहते हैं व्हाई इज दिस पर्सन गिविंग अथॉरिटी टू हिम एज गॉड, बिकॉज द वन हु इज गिविंग अथॉरिटी शुड बी सुपीरियर टू गॉड. सो देन आई शुड बी गॉड देन, दैट मींस बिकॉज आई कैन गिव इवन अथॉरिटी टू समवन. द सुप्रीम अथॉरिटी अबाउट एवरीवन, एवरीवन मींस एवरीवन, दैट पर्सन इज गॉड. द वन हु कैन गिव अथॉरिटी टू गॉड, that means God is inferior. This person who is giving authority should be superior. So this person should be God then, because he can give authority even to God. Hey God, you are mini God, puny God. I am the real God because I can give authority to even you. So how God is God? Because God is supremely independent, the supreme. There is no one above him. There is no one above him. Everyone is underneath him. So you say, who gives him? Kare ji, unko kaun dega? Wahi dete hai. He gives. He doesn't receive from anyone. Okay. But then again, why am I a creation and why is he a creator? Because that's a fact. That's a reality. Like for example, somebody will say, why is this a projector and not a helicopter? Because it's a projector. So why am I a creation? Because I am a creation. And to some extent, we are creators also. Like for example, like we are mini creators also. Like jaise ki hum cheeze banate hain. Jaise ye table wala kisne banaya? Bahane nahi banaye. Hum logon ne banaya, right? So, in a way, we are also mini creators. We make laptops, we make cars, we make specs, we stitch clothes. So, in a way, we are also creators to some extent. But supreme creator is God. We are mini creators. We can erect a building, we can make a ship, we can make a plane, like that. But not universe, not planets. We cannot make planets. Scientists cannot make planets. Right? That's me. So, mini creators, we are also mini creators. But as a whole, we are creation and there is a supreme creator. Like that. Any other question? Yes? Huh? मारना पड़ेगा। मार अपने कॉलेज के स्टूडेंट नहीं सर, अर्जुन को कहा था कि ये तेरे तेरे विरोधी हैं, तेरे मारना पड़ेगा इनको. नहीं मारेगा तो मैं तेको मार दूंगा. नहीं फिर बट कहा था मैं सर. यस कहा था, बिल्कुल मारा कहा था, बिल्कुल. लाइक समटाइम्स वायलेंस इज रिक्वायर्ड so that dharma can be established, piety can be established. That's why this violence is good violence. Well, shastra aur shastra dono ek saath hi aata hai. Ha, dono aata hai. To dono ka istemal karna padta hai hame. Just to establish dharma, sometimes you have to use shastra, sometimes shastra. Very good. So sometimes you have to use either of them or both of them to establish religiosity, piety, kindness, compassion. That's why violence is required. Aise violence kharab nahi hai. Violence ka misuse kharab hai. जैसे अब पाकिस्तान अगर हम पे हमला बोलते हैं, हम कहें जी मार लो कोई नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं. आप क्या यहाँ मार के मारोगे या ऐसे पेट में डाल के मारोगे? आपकी खुशी किस में है? कहते हैं तेरे पेट में डालो, कहते डाल दो अहिंसा. ठीक है यू माइट हैव सीन महात्मा गांधी. ऑफ कोर्स आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी. व्हेन देयर वर टू लेडीज ऑलवेज देयर विद हिम. And somebody asked Mahatma Gandhi, you always say ahimsa, non-violence. But if somebody molests these ladies who are there to support you, will you still continue with ahimsa? Very tricky for him. He said, I will still continue with ahimsa. And these two ladies, they left Mahatma Gandhi after that. Because to protect the purity of a woman, even violence is required. This violence is positive violence. Because I'm protecting the purity of woman. So at that time, Mahatma Gandhi should have said, that to protect them, I may become violent. But this is dharmic violence. But at that time, Mahatma Gandhi said, no, I still continue to be non-violent. And these two ladies, they left him. They left him. So, ahimsa is a good thing. But as I say, hinsa is always bad. Hinsa to protect religiosity is good. So, this ahimsa parmodharma? Yeah? Ahimsa parmodharma? Ahimsa is not really parmodharma. But in certain religion, why ahimsa is told to be paramodharma, reason being, people are addicted to ahimsa. Like ahimsa paramodharma is mostly in Buddhist. Ahimsa paramodharma.
बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन. अच्छा बुद्ध साहब लेकिन किनके बीच में शुरू किया महात्मा बुद्ध ने? अमंग दोज हु आर मिसयूजिंग द वेदास एंड किलिंग द एनिमल्स फॉर मीट ईटिंग ऑन द नेम ऑफ सैक्रीफाइस. कहते बलि दी जानी तो वेदों में बताई गई है, तो जानवरों को मारना, लेकिन किसके लिए? टंगड़ी तोड़ने के लिए, इसके लिए. तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा वो नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन. दैट वॉज फॉर देम. For those people who are addicted to violence towards animals, he stopped it by saying, oh, these Vedas, mythology. You know, Bali Bali ki baat kar rahe hain na, ye Bali bhaisu uthe na tum logon ne, are baba, mythology. But he was not rejecting the Vedas, he was rejecting the misuse of the Vedas. Because you know, so called Brahmanas were killing the animals so that they can have tangri. So when Brahmanas, when they fell, to stop that fallen nature, which was against the animals in the form of violence, to stop that, there comes one incarnation of the Lord known as Mahatma Buddha. And he says, Ahimsa Parmo Dharma. He can't give anything higher. He says, Lallu Lal, what will you tell me? You tell me, normal man, you tell me, just. Leave this bad thing. Now I will tell you so much. What will you tell me about this? And that's why Lord Buddha, he would not answer many of the questions. Like for example, about soul, he did not say anything. When somebody asked Mahatma Buddha, he said, okay, Buddha, who are you? Or who are we? Am I the body? Okay, Mahatma Buddha, am I the mind? Okay, am I the intelligence? Am I the ego? Am I thoughts? Then who are? Who am I? Mahatma Buddha was silent. Mahatma Buddha, I am asking you, then who am I? I am a conscious being. Bas, and then quiet. So there are many things which he did not answer. Recently he came to give a religion for non-violence. Not the ultimate reality. But so that ye batmameez log jo ki janwaron ko khate hain on the name of sacrifice, animal sacrifice, to stop, there came one incarnation known as Mahatma Buddha. So ahimsa parmo dharm, yeah, for them ahimsa vas parmo dharm, taki log non violence banenge, fir aage aur kahani batayenge inko, like that. Jab chote bachche hote hain na, unko bolte hain, okay beta, 5 minus 3 batao kaise hota hai. Kehte hain 5 minus 3 uncle, main bhi batata hu uncle, 5 minus 3 1 2 3 uncle 2 hota hai uncle. Okay beta batao 3 minus 5 3 minus 5 okay 3 minus 5 1 2 अंकल ये तो नहीं हो सकता अंकल. अब भी इनको इतना ही अलजेब्रा बताया जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2, 80 माइनस 5 ये तो हो ही नहीं सकता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे घटाएंगे अंकल, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. पर अब आगे बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, माइनस 2, 3 माइनस 5 इज माइनस 2. लेकिन छोटे बच्चे बोला टॉडलर, 3 माइनस 5 3 माइनस 5 जस्ट देयर नाउ 1, 2, 3. नहीं अंकल नहीं हो पाएगा अंकल, नहीं हो पाएगा अंकल. ये बुद्धिस्ट अभी वही है, अभी इनको हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती. छोटे बच्चे क्या सीखते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सीखते हैं ना. पर जब आगे बड़े हो जाते तो लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द हायर एप्लीकेशन ऑफ ए बी सी. छोटे बच्चों के लिए क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट. पर हायर एप्लीकेशन इज लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी. लेकिन अभी ट्राइंगल वाले पे नहीं आएंगे, अभी वो क्या सीखेंगे? सो अहिंसा परमो धर्म इज ए बी सी, लाइक दैट. ओके, और कोई सवाल किसका? यस एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन 1, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन 2. क्योंकि प्रसाद की महक पूरे कमरे में छा चुके हैं, इसलिए हॉस्टलर्स कुछ कहे, अरे छोड़ सवाल यार, प्रसादम इज वेटिंग टू ब्लेस अस मैन. यस, वन मोर क्वेश्चन. ऑलराइट, गुड. अपने बॉयज सुसाइड करते हैं जो भी रहते हैं, तो फिर मोस्टली लोग सक्सेस एकदम हाई लेवल पे होते हैं, आप वर्ल्ड में देखेंगे,
कॉमनली वही सुसाइड करते हैं. या दैट्स ट्रू. तो फिर क्या मतलब सक्सेस का फिर इसे ना यू नो दैट्स व्हाई आई डिफाइन सक्सेस व्हेन आई वाज गिविंग द सेशन ऑन अबाउट सक्सेस. I did not say success means when you acquired many things, when you have got a beautiful, a very nice car, a velayati wife, and you got a green card, and you are successful, man. मैंने क्या बताया था हम लोगों को? Who is successful? जो खुश है ना असल में, वही successful है. भले उसका पैसा हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, बीवी हो चाहे ना हो, पति हो चाहे ना हो, दुनिया दुकान हो चाहे ना हो, उसका power post position हो या ना हो, लेकिन अगर वो खुश है तो वो क्या है? सक्सेसफुल है. वी डिड नॉट डिफाइन सक्सेस एज एक्विजिशन ऑफ थिंग्स. वी डिड नॉट डिफाइन सक्सेस एज एक्विजिशन ऑफ पावर. वी डिफाइन सक्सेस इफ यू आर हैप्पी. आर यू हैप्पी? आर दोज हु आर सीईओज एंड सीएफओज, आर दे हैप्पी? व्हेन आई वाज वर्किंग तो मेरा जो सीईओ था हमारे कंपनी का, so when he would enter the cabin, the entire floor, everyone would get up, good morning sir, good morning sir, good morning sir, when he would enter. And he would come to my desk, and when he come to my desk, and he knew that I'm a Hare Krishna, he would say Hare Krishna. And I said, oh sir, good morning sir, Hare Krishna sir, how are you doing sir? Great, I'm wonderful, can you come to my room please? And I would go to his cabin, and then there he would discuss about life, the purpose of life. Why are we living? You know, why there is shallowness in the heart? What is all about relationships? He would ask these kind of life, so questions about life. Even though he is the CEO of the company. And Northern India, he was in charge. Uski salary thi 3 lakh rupay per mahina. 36 lakh rupay waisa kamate the. Lekin andar kya hai? So every day he would come to me and would say, can you come to my cabin for 15 minutes? And he would have this kind of discussion. And he would say, thank you. My legal name is Ashish. And he would say, thank you, Ashish. It was really great. My spiritual name is Amog Vidadar. Nobody knows me as Ashish. He would call me as Ashish. Nobody knows. So at that time, but he knew me as with my legal name, which is there on the passport. So he said, thank you, Ashish. You really have given me solace. Now I can work. Now I can work. And then he would work. So those who are really successful in terms of money, acquisition, power, post position, they are so hollow and shallow. I know them. I have worked with them. When was that kaam kya maine? Khokhle log hai. Khokhle log hai. Achha, khokhle ko bhare kaise? Daru se. Kehta bahut khokhla hai yaar. Kuch bharna hai. Kehta chalo phir daru peene chalte hain. Chalo phir daru peene chalte hain. Phir jaake daru duk 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 dalenge. Phir daru to nikal jati bichari. Kehta wo phir khokhla ho gaya. Kehta phir koi baat nahi. Phir aur peete. When I went to airport, on international airport, so I asked, ये तुम दारू बेचते हो, लोग खरीदते हैं क्या? सर बहुत खरीदते हैं, बहुत खरीदते हैं. एयरपोर्ट वाला गेट एवरी मंथ करोड़ ऑफ मनी फ्रॉम द दारू वाला पीपल. रीजन भी पता, एक दारू की बोतल दे शायद 5-5 लाख रुपए की एक बोतल लोग खरीदते हैं. क्यों? अंदर खोखला. कहते कैसे भरेंगे? कहते अच्छी क्वालिटी की दारू से इसको भरेंगे. डुक 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 डुक, फिर वो निकल भी आते, कहते फिर 3 लाख रुपए. वाई? बिकॉज देर हॉलो एंड शैलो, खोखले लोग हैं. और देखना आप, ये लोग ना द वर्ड एफ ये बहुत इस्तेमाल करते हैं. व्हाट द एफ? बार बार एफ शब्द का इस्तेमाल करना भी बताता है कि मैं खोखला हूं, मैं खोखला हूं. आई रिमेंबर वंस आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग गीता इन कनॉट प्लेस. सो दिस बॉय, ही वॉज यंग गाय, मे बी कॉलेज गोइंग पर्सन. So what the F, Barba, he was using this word, F. So I just hugged him and I told him, you know, please don't mind. You know, why using this word F again and again, it shows that you are inside, you are hollow. You appear to be very cool, yo, but inside you are hollow. At that time he started weeping. He said, yes, damn it, I'm hollow. Yes, I am. And that's why he said this, F, he said that. But those who use this word F, and you know that, which word I'm talking about. Ye andar se khokhle log hain, ye andar se dukhyari atma hai. So I have seen people who are having all luxuries, but they are hollow. So actually, success means not acquisition of things. Success means if you are really happy. Aapke chehre pe chamak hai, aap khush hai, aapko dil khush hai, that is success.
And that is the secret of success, which people do not know. What is success? Yeah? Aur kisi ka question hai? Okay. Jo happy nahi hai wo aisa zaruri hai ki wo God mein believe kare. Aisa zaruri hai ki jo log God mein believe karte hain wahi happy hain. देखो जब भगवान में विश्वास करते हैं हमने वैसे जनरली स्पीकिंग हमने खुश देखा है. दुखियारी आता है मैंने देखा ज्यादातर नास्ती की होती है. यहाँ होती भी है तो बिलीवर ऐसे होते कि जैसे कि दाल पे धनिया होता है ना, बस उससे ज्यादा भगवान की औकात कुछ नहीं होती उनकी लाइफ में. अगर एक दो चार बत्ती घुमाते भगवान जगह ये भाई ये मोगरा फ्लेवर की बत्ती घुमा तुम्हारे आगे में बस ध्यान रखना थोड़ा सा हमारा, ठीक है जी. ऐसा होता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश. कहते हैं सुख संपत्ति करा है ये जैस्मिन फ्लेवर की अगरबत्ती इसलिए घुमा रहा तुम्हारे आगे, इसके बाद ना तो तुम मेरी शक्ल देख ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा. दैट इज द रिलीजियस स्टैंडर्ड. आई थिंक आई वाज शेयरिंग इन वन ऑफ आवर सेशंस हियर इन डीडीयू देन आईएम अहमदाबाद दे वर ट्राइंग टू डिस्कस दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट्स इन अ लीडर. Right, and one of the attributes which they were discussing was happiness. कि leader को ना खुश होना चाहिए. Leader दुखियारी आत्मा हो क्या चाहिए तुमको? खुद चूस लो तुम मेरा. भाव यार. Can this be leader? भले कितना कोई visionary हो, दुखियारी आत्मा है तो. So one of the attributes they found out about the leader is that the leader should be happy. और ये 2015 batch, I am Ahmedabad. Now they are not Hare Krishna devotees. We deliver one sometimes session for every year for them. There is one subject which is in IIM Ahmedabad, leadership and strategic management from the Bhagavad Gita. It's a subject, elective subject. Bahut demand hai iske upar. So I go there to teach as a visiting faculty in IIM Ahmedabad. So 2015 batch they shared very important finding. Kehte hai Prabhu ji aapko sunke bada acha lagega. We found out that who are the happiest people in this world. And they said that the devotees of Lord Krishna are the happiest in this world. ये मेरी finding नहीं है, इसको कौन बोलोगे? इसको कौन क्यों कहेंगे? हाँ, खुद ही निकाल दिया अपना, और क्या? ये लोग हैं कौन? हरे कृष्ण वाले और क्या निकालेंगे? ये तो निकालेंगे कृष्ण के devotees सबसे मस्त हैं. I am Ahmedabad, the number one management institute के इन बच्चों ने खोज निकाला. And they discussed, they researched on various communities. And they ranked number one, the devotees of Lord Krishna. They said, Krishna ke bhakt sabse mast log hai. Those were actually devotees. They are the happiest. So, bolo, Bhagwan ko maane wale khush hain. Ji, main to nahi kehta. Main is baare mein nahi janta. At least, main apni life ko keh sakta hu ki, haan, main to bahut khush hu life mein. Baaki, IIM Ahmedabad ki study ye kehti hai, ki Bhagwan mein vishwas karne wale, especially the devotees of Lord Krishna, as per them, they are the happiest. As per them. तो ऐसा हमने ऐसे फाइंडिंग्स हैं, तो यहाँ भी ट्राई करके देख सकते हो ऐसे. ठीक है. हाँ ओके ओके आपस में कर लो याद. सर ये क्वेश्चन ना कृष्ण के ऊपर है. तो कृष्ण एक तरह से हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रगल. इसको थोड़ा सा कम करते हैं इसका. कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम? नहीं अच्छा ऑटो ही है. ठीक है जी. और राइट. हाँ जो कृष्ण है ना. अच्छा हाँ बोलिए बोलिए. अच्छा इसमें राजा से पता नहीं कौन थी. सेंट यूरीटा. मतलब ऐसा क्यों? मतलब जिससे प्यार किया उससे क्या? अरे यार क्या करें, लव ट्रायंगल कुछ कुछ होता है. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, क्या करें यार. ऐसा हो जाता है, क्या करें. प्यार मोहब्बत बेचारे कृष्ण भगवान की. सो सैड बेचारे भगवान बनके में क्या मिला बेचारे का. दुखी दुख होना. तो ये भगवान वाला हमारा दुखिया निकालेगा. खुद ही दुखियारी आत्मा है. तो क्या ऐसा है? कोई अरे कोई स्ट्रगल था ही नहीं ना, तभी तो खुश थे वो. क्या स्ट्रगल? मतलब बचपन में ही लोग उन्हें मारने आ रहे. मतलब कौन से लोग? मतलब पूतना. तो पूतना कैसे मार दिया? दूध पी के मार दिया उसको. भाई मतलब मारने में भी क्या क्रिएटिविटी है भगवान में ना. कह रहे कैसे मारूं? कहते उसको दूध पी के मार लूंगा. दूध पी के उसके प्राण भी निकाल लूंगा. कोई बच्चे में ताकत होगी? औरत नहीं है, राक्षसी. दूध पी के मार दिया उसको. अच्छा शक्तासुर कैसे मार? कहते ऐसे लात मार के मार दिया उसको.
माँ बाजी ने खिलौने भेजे, भाजे को पसंद नहीं आया, तोड़ दिए। राक्षस क्या थे? खिलौने थे। मामा जी कौन? कंस जी। भांजे जी कौन? भगवान श्री कृष्ण। मामा जी ने खिलौने भेजे, भाजे को पसंद नहीं, कहते ये क्या खिलौना है, तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए, कोई ढंग का खिलौना नहीं। ऐसे बच्चे के लिए खिलौना तोड़ना क्या वो मुश्किल काम है? बच्चे तोड़ के कहते हैं, देखो कितना स्ट्रगल है बच्चे को खिलौना तोड़ना, क्या है भगवान के लिए कुछ नहीं। और बाकी रुक्मिणी की बात आती है, देयर इज नो सच थिंग एज लव ट्रायंगल इन गॉड, कि दो हीरोइन एक हीरो, दिल तो यहाँ था, शादी यहाँ हो गई, शादी के बाद भी लगा रहा ओ प्यार, अधूरा प्यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी सैन्यूरिटा से हो, लेकिन मेरे माता पिता ने कलावती से मेरी शादी करा दी, कलावती से शादी करने के बाद भी मैं सैन्यूरिटा से मिलता रहता था, सैन्यूरिटा आई लव यू सो मच, सैन्यूरिटा बेचारे कहीं और सेट हो गई, वो कहीं और सेट, हम कहीं और सेट, जीवन अपसेट, ऐसे कृष्ण मोहन के साथ भी हो गया बेचारे के साथ, नो इट इज नॉट लाइक दैट। अफकोर्स वी डिस्कस अबाउट गॉड इन फर्दर मोर सेशंस, बट वन थिंग इज दैट देयर इज नो सच थिंग एज लव ट्रायंगल, देयर इज समथिंग नोन एज लव पैरेलल। व्हाट इज दैट लव पैरेलल? हाउ इज इट? राधा एंड कृष्ण आदि शक्ति एंड आदि पुरुष, ठीक है जी। राधा एक्सपैंड एज रुक्मिणी, कृष्ण एक्सपैंड एज द्वारकाधीश, सो नाउ दे आर रुक्मिणी द्वारकाधीश। कृष्ण एक्सपैंड एज राम, राधा एक्सपैंड एज सीता, सीता राम। कृष्ण एक्सपैंड एज नारायण, राधा एक्सपैंड एज लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। तो क्या ट्राइंगल है? पैरेलल है। यस, देयर इज नो सच थिंग एज लव ट्राइंगल, देयर इज लव पैरेलल, ठीक है। All right, any other question? Yes? Oh yeah, you have a question, yeah. सर मेरे को बस एक ये चीज पूछनी है, जैसे एक लाइन कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है काफी, तो मेरे को यही पूछना है कि इस बात पे अगर हम बिलीव करें तो करेंगे। देखिए वैसे तो देखिए सब कुछ अच्छा नहीं होता, इन केस व्हेन वी मिस यूज आवर चॉइसेस, तो वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वैसे तो किसी का बुरा हो गया बिकॉज ऑफ बैड कर्म और व्हाट एवर, तो होता है कई बार बुरा भी होता है, बट यस द दोज हु आर इंक्लाइन टू सर्व गॉड उनके साथ जो होगा अच्छा के लिए होगा। कहा जाता है कि हम अच्छा बुरा करने वाले, हम कोई नहीं डिफाइन करने वाले, तो गॉड नहीं, हम डिसाइड करते हैं। हमारा लेवल इतना नहीं है ब्रेन का या ब्रेन इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा, हम कि हमको डिफाइन कर सके। देखो चॉइसेस तो हमारे हाथ में दिए भगवान ने, वी हैव चॉइसेस। अगर चॉइस भी लेंगे देन यू आर डेड मैटर ना, जैसे आपका पेन है इसके पास कोई चॉइस है? चॉइस नहीं इसके पास, राइट। तो चॉइस के बारे में वी विल डिस्कस मोर इन फ्यूचर, कि चॉइस है तो कितनी है और चॉइस भगवान ने हमको क्यों दी। चाहे तो कंट्रोल कर लेते ना, कठपुतली बनाए थे हमको, क्या चल तो डीडीयू में है, चल अब तो एमएसयू में जा, चल अब तो एनएसआईटी चले जा, चल तो एमआईटी चले जा, चल अब अंडमान निकोबार में चल आदिवासी हो जा। भगवान ऐसे डिक्टेट करते हैं रिमोट से, पर वैसा नहीं कर रहे हो, राइट। सो देर इज अ चॉइस, वाई देर इज अ चॉइस, और कितनी चॉइस है कितनी चॉइस नहीं है, दैट वी डिस्कस इन कमिंग सेशन। या और कोई सवाल किसी का? यस, क्या देखो हमारी लाइफ में कुछ चीजें फिक्स है कुछ चीजें फिक्स नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बताना, हेल्थ, हाउ मच ब्रेन विल आई हैव, विच फैमिली आई विल बोर्न इन, ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन आज इस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए वी आर मेकिंग सम चॉइसेस, राइट। इन चॉइसेस से बनेगी आपकी फ्यूचर की डेस्टिनी, और उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए आप जो चॉइसेस करोगे उन चॉइसेस से बनेगी आपकी फ्यूचर की डेस्टिनी, राइट। और वो जो डेस्टिनी आपको मिलेगी उस डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए आप जो चॉइसेस करोगे उससे बनेगी फ्यूचर की डेस्टिनी। इस तरह से चॉइसेस और डेस्टिनी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कुछ चीजें फिक्स है कुछ चीजें फिक्स नहीं भी है, दोनों है, आपको दोनों मिलेंगे इस दुनिया के अंदर ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी सब कुछ फिक्स है जी, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, कुछ करने की जरूरत, लाओ जी कुर्सी लाओ सो जाए उसमें, जो आना है सो आना है, सो लो जी, अरे एक दिन छत से गिरेगा सब कुछ अपने आप ही आएगा। तो एक तो ये लोग भी हैं, और एक वो लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं सब कुछ हमारे हाथ में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस इंडस्ट्री। और ऐसे लोग फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी करते हैं,
अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात क्षण दृष्टि है कि आपको उस चीज से मिला दे, क्योंकि कायनात को रोज काम जानी बेचारी को हमारी हमारी शिद्दतों को मिलाती रहे बस, और कुछ नहीं। बट हमने देखा है ऐसे कई लोग हैं दे वर वेरी डेस्परेट टू एक्वायर समथिंग पर नहीं मिला वो या नहीं मिली, दोनों चीज होती है। डेस्परेट दीवानों की तरह किसको चाह था, लव लेटर लिखे थे मैंने, खून से लेटर लिखे थे मैंने, पर उसको धनंजय सिंघानिया पसंद आ गया उसको, कहते बस यही प्यार था। तूने बटुआ देखा उसे चले गई उसके बाद, वो हाया भूसा बाइक पे आया था, कहते डॉर्लिंग वांट टू हैव अ राइड, श्योर व्हाई नॉट, और बैठ गई चली। कहते ऐसे कैसे चले गई है, होता है बिल्कुल होता है। सो जिसको हमने चाहा था वो मिल जाए हमेशा नहीं होता ऐसा, मिल जाए किसको लोग कहते नहीं नहीं तेरी ना तेरी शिद्दत बड़ी कमजोर थी, अबे क्या खा कम थी, ये देख मेरी नसों का हाल देख, इनमें खून नहीं बचा इसके अंदर, नहीं मिली उसको या नहीं मिला या करियर नहीं मिला, मेरा फला फला कॉलेज में नहीं हुआ। तो कुछ लोग इनकी दूसरी एक्सट्रीम बने हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हाथ में नहीं है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल लाइफ, बीच में कुछ चीजें फिक्स है कुछ चीजें फिक्स नहीं है। तो क्या फिक्स है क्या फिक्स नहीं है इसे हम इनकमिंग सेशन में डिस्कस, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? यस सर, आगे पूछना, जैसे सर मान लो एक एग्जांपल, जैसे अगर हमारे को जैसे कोई कोई कार मिल रही है, एक छोटी कार है, हाँ कार छोटी है मतलब हॉट व्हील्स वाली, नहीं नहीं मतलब जैसे ऑल्टो ले लो, अच्छा ऑल्टो, अच्छा थोड़ी बड़ी है, छोटी हमें नहीं पता होता है एक्चुअली, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे क्या अच्छा है वो भी हमें समझना है, चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, देखो ये तो आना जाना लगा रहेगा सबके साथ है ये। अभी आप कॉलेज में हो, अब आगे बढ़ोगे अप्स एंड डाउन ज्यादा आते हैं, कॉलेज लाइफ इज वेरी कूल लाइफ है, पिताजी से जब करके मिल जाती है पैसा ही वही सबमिट करते हैं, माँ का प्यार दुलार आले मेरा बच्चा घर आ गया, क्या खाएगा पकौड़े खाएगा क्या खाएगा बेटा नूडल्स खाएगा, मम्मा बहुत टाइम हो गया पाव भाजी नहीं खाई, आले मेरा छोटा बच्चा। कॉलेज लाइफ इज वेरी कूल, क्या अप्स एंड डाउन कुछ नहीं होते, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन होता है, बच्चे से छोड़ दिया पहले को मेरे साथ था मेरे साथ नहीं है, थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, समय समय थोड़े फेल हो गए, थोड़ी बेइज्जती हो गई, थोड़ा परफॉर्मेंस करने गए थे कोई धोखा दे गया, हल्का बोलते ज्यादा कुछ नहीं होता कॉलेज लाइफ में। अप्स एंड डाउन नहीं कब आएंगे, व्हेन यू स्टेप आउटसाइड कॉलेज, तब है लाइफ वेटिंग फॉर अस राइट। तो इसीलिए अभी तो लाइफ इज टू कोजी टू डिसाइड ऑल दिस राइट, ठीक है। और कुछ और कुछ ओके लास्ट क्वेश्चन सर, भगवान कृष्ण जैसे करते थे हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान कृष्ण की तरह करना अच्छा है, जैसे कि गोपियां जाती थी नहाने के लिए यमुना किनारे, और उनके कपड़े भगवान कृष्ण लेकर बदल जाते थे, सर अगर रियलिटी में हम ऐसा करें तो कोई हमें भगवान की तरह ऐसे मानेगा? बिल्कुल 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 मानेगा, आप कई गोपियां हो जो नहारी हो ठीक है ना, उनके कपड़े चुरा लेना ठीक है ना, फिर उनके तो देखना कि उनके भाई आपको पीटते हैं कि नहीं आते, ठीक है तो ये देख लेना ठीक है। दूसरा है सिर्फ किसी के कपड़े चुराने से भगवान नहीं बनते हम, ठीक है मैंने कपड़े चुरा अब तो भगवान मान लो, अब तो लड़कियां नहारी मैंने कपड़े उठा लिए उनके, अब तो भगवान मान लो भाई हमको है कि नहीं, देखो ये देखो घाघरा चोली देखो खूब सारी इकट्ठी हुई है कि तुम्हारी फिर मरम पट्टी कैसे हुई इतनी सारी, कहते कुछ नहीं भाइयों ने आकर मारा मेरे को, कह तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये भी तो है ना। अच्छा भगवान और क्या करते हैं, भगवान गोवर्धन भी उठाते हैं ठीक है जी, गोवर्धन उठा लेना ऐसे लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे ऐसे स्माइल करते हुए, जैसे उठा लो लड़की हम सप्लाई कर देंगे आपको ठीक है। पर दूसरे काम भी तो करने होते ना भगवान जी वाले, ये थोड़े से कपड़े छुड़ाने तो ठीक है, कभी अच्छा कभी अच्छा वाला काम भी कर दो ऐसे गोवर्धन उठा दो, चलो गोवर्धन छोड़ो गोवर्धन छोड़ो, सिर्फ सात दिन साथ साथ खड़े हो जाओ बस, कोई खाना कुछ नहीं है, बिना टॉयलेट जाए
ठीक है ना, क्योंकि जब खड़ा होना तो है लेकिन प्रेशर बहुत जोर से लगा है, कहते हैं खड़ा रहे, कहते हैं अरे डाइपर पहनाया नहीं आपने और आप खड़ा कर दिया हमको। और भी भगवान ने और भी काम किया ना, मुंह खोला तो यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने, हम मुंह खोले DDU दिखा दे उस मुंह के अंदर, भगवान मान लेंगे उसको। कहता सर आप यूनिवर्स की चिंता मत करो, आप तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज मुंह में दिखा दो बस, चलो जो हो जाए ऑन मार्क गेट सेट गो। अरे आपने DDU दिखाई नहीं हमको। भगवान ने भगवद गीता के अंदर अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, विश्वरूप, दैट हाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम। हम विश्वरूप दिखाएं थोड़ा सा, दिखाएंगे ठीक है, चलो जी लाइट कैमरा एक्शन। सर हमने विश्वरूप दिखाई नहीं, सर हमने आज मूड नहीं है याद वाला। अच्छा कब मूड हुआ? भगवान बनने के लिए और भी काम करने पड़ते हैं, सिर्फ कपड़े चुराना नहीं होता, बाकी और भी काम होते हैं। हम कुछ चीज को अच्छा माने या बुरा माने हम डिसाइड नहीं करते। अच्छा उसके बाद हुआ क्या था? लेकिन ये गोपी वस्त्र हरण लीला में फिर क्या हुआ? लेकिन सर अगर कपड़ा हम लेकर जाते थे तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। फिर तो क्यों करते थे उनका? बहुत गलत बात है, फिर भगवान सबको कौन क्या बिगाड़ लेगा? क्या चल मैंने कपड़े उसको चुराए तो क्या कर लेगा तू बता? पहले तो भगवान की दादागिरी भी है ना, भगवान अगर बोले चल तू क्या कर लेगा मैंने कपड़े चुराए, कहते ठीक है हम जितनी इंडियन फोर्स अमेरिकन फोर्स रशियन फोर्स सबको बोलेंगे भगवान पे अटैक कर दो, फू मार देंगे सब उड़े। अच्छा था और बताओ ठीक है। अब देखो हमें थोड़ा क्या लीला को थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। ये जितने भी गोपियां थी दोज वर टेकिंग बाथ, दे वर ऑल हैविंग देर ऑल सेंट्स एंड दे आर ऑल स्टेजेस ऑफ प्रीवियस लाइफ जो कि राम जी के समय मिली थी। कहते प्रभु हमें आप पति के रूप में चाहिए। राम जी ने कहा देखो इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत, आई ओनली हैव वन वाइफ, बट इन द्वापर युग आई एक्सेप्ट एवरीवन, व्हेन आई कम एज कृष्णा इन माई ओरिजिनल फॉर्म आई एक्सेप्ट everyone, then you come as the gopis, I'll accept you as my wife. So, ye jo sages se in next life they became those gopis who are taking bath, aur inhone tapasya ki hai. They are praying ki na nand putra patim dehi, jo nand ke jo putr hain, jo sut hain unke, unhare humko pati ke roop mein praapt ho. Right? So, and then they got Krishna as their husband. Acha husband ke roop mein kaise swikar ho, kaise pata lagega? Wife can only become without cloth in front of whom? A chaste wife, only in front of husband. So Krishna at that time accepted her as their wife because they were those sages who were wanting to God to become their husband. Like okay, accept it. अच्छा उसके बाद भगवान ने क्या किया? इनको छेड़ा, इनको छुआ ना, accepted them, blessed them and Krishna ran away. भगवान वहां से चले गए, ऐसे नहीं वहां पर उनको देखते रहे ना, हम उधर अभी करते अभी करते हम लोग बलमाशिया राइट, लेकिन भगवान ने वो सब नहीं किया। भगवान ने कहा okay, bless you. I bless you, I accepted you as my wife. अच्छा कौन सी उम्र में क्या था ये? 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में तो बच्चों के अंदर ये सेक्सुअलिटी का तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, बच्चे तो खेलने कूदने वाले होते हैं। 5-6 साल की उम्र में क्या होता है? So at the age of 6, this Gopi Vatsal Hara Leela happened. Not in this age. आपकी उम्र कितनी है? 21. बोलिए उस वक्त 6 साल के छोटे से कृष्ण है अभी, और गोपियां भी ऐसी हैं 5 साल की 4.5 साल की, सब छोटी छोटी गोपियां। भगवान है उनको तो पूरी जानकारी होगी, उनको पूरी जानकारी है ठीक है। ऑल राइट वी विल स्टॉप हियर, एवरीवन इज हंग्री नाउ और प्रसाद इज रेडी टू ब्लेस ऑल ऑफ यू, सो वी विल कंटिन्यू द सेशन ठीक है। इसमें यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जैसे आपने बाद में कोई सवाल पूछे दे वर नॉट सेंटेड टू द प्रेजेंटेशन, बट आई वाज हैप्पी टू आंसर कि आप लोग वो सवाल पूछ रहे हो, दिस इज वेरी गुड, थैंक यू ऑल वेरी मच। सो प्लीज हैव प्रसादम एंड नाउ नेक्स्ट सेशन इज व्हेन? टुमारो। टुमारो और हरे कृष्ण।